हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मेजर तो मेजर फिल्म का हिंदी तेलुगू मलयालम ये सभी वर्जन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर मैं डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के डिटेलिंग ऊपर हम बात करने वाले इसके अलावा फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे साथ ही में फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें स्टोरी एनालिसिस एक्सप्लेनेशन फिल्म का एक डीप रिव्यू होगा जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट और परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करने वाले तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं मेजर जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको तेलुगू और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया है बारी बारी से इसके अलावा मलयालम लैंग्वेज में डॉप्ट किया गया है ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म थी जहाँ पे फिल्म की कहानी फिल्म के जो लीड किरदार है संदीप उन्नी कृष्णन जो एक मेजर थे जो एक कैप्टन थे उनके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ जर्नी दिखाई हुई है तो ये एक फिल्म ओरिजिनल ड्रामा के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने फिल्म की कहानी का आइडिया डी सेस का था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है इसके अलावा स्क्रिप्टिंग का काम उन्होंने किया हुआ था तो स्टोरी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले के बाद जो डायलॉग्स थे वो अबूरी रवि ने तेलुगू वर्जन के लिखे हुए थे अक्सर अजय शर्मा ने हिंदी वर्जन के लिए और डरेक्शन किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने जिन्होंने इससे पहले आडवी से इसके साथ गुडाचार्य फिल्म में भी ब्लॉकबस्टर काम करके दिया हुआ है फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आठ विशेष देखने को मिलेंगे प्रकाश राज शोभिता धूलीपाला साई मंजरेकर इसके अलावा रेवती मुरली शर्मा अनिस्कूविल्ला ग्रीष्मा पृथ्वी चाणक्य तेजस अभिनव सिंह राघव वीरा मुडमेता के विनीत चंद्र रोकी गोंडले और वरुण ज्ञानचंद्रन इतने लोग आपको इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुपरस्टार महेश बाबू ने नम्रता सिरोकर जो उनके वाइफ है अनुराग रेड्डी और शरद चंद्रा ने तो ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 20 से 25 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ था पेन इंडिया लेवल के ऊपर देखें तो एक मीडियम लो बजट माना जाएगा अदरवाइज एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से देखें तो एक अच्छा खासा बजट माना जाएगा फिल्म को हिंदी तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया हुआ है जिस वजह से फिल्म के एक सीन के ऊपर डबल बार शूटिंग की गई है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी वामसी पाची ने की हुई एडिटिंग की हुई विनय कुमार श्रिंगनिधि ने और कोडाती पवन कल्याण ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे उनतीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी करीबन ढाई घंटे के रन टाइम के साथ फिल्म को बनाया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पाकल्ला ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म को 25 करोड़ के बजट के साथ सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए प्लस एस मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे

उसके बाद में इस फिल्म के बायोपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया जहाँ पे स्टोरी के ऊपर डेवलपमेंट हुई बाद में फिक्स किया गया कि इस फिल्म को मेजर संदीप नाम दिया जाएगा लेकिन उसके बाद में फाइनली फिल्म को मेजर के नाम से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था इस फिल्म के लिए मेजर संदीप के पिता से जनवरी 2019 में बातचीत हुई थी उनके पेरेंट्स से जहां पे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के ऊपर बात की गई थी और उसके बाद में फिल्म का काम आगे किया गया था फिल्म को ऑफिशियली फरवरी 2020 में सॉरी 2019 में अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि आड विशेष इस, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे और सुपर महेश बाबू इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे कोलोबरेट करते हुए नजर आएंगे सोनी पिक्चर इंटरनेशनल प्रोडक्शन और ए प्लेस मूवीज ए प्लस एस मूवीज इसके अलावा मेजर फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट करने का फैसला लिया गया था उसके बाद में ये जो किरदार है संदीप सर जो प्रॉपर मेजर संदीप है वो प्रॉपरली मलयालम लैंग्वेज यानी कि के केरला से बिलोंग करते जिस वजह से मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे फिल्म के तेलुगु कास्ट एंड क्रू के और हिंदी वर्जन के लिए दोनों के लिए अलग अलग कास्ट और क्रू को लिया गया था जहाँ पे जो हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज परफेक्टली बोल सके उनको कुछ और इम्पोर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फरवरी 2020 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मार्च 2020 तक फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा कोविड 19 की वजह से उसके बाद में सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई जहाँ पे उसी महीने में फिल्म की शूटिंग को करीबन 50 परसेंट तक कंप्लीट करवा लिया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को हैदराबाद में किया गया अक्टूबर 2020 में सोबिता दुल्लीपाला ने अपना पोर्सन नवंबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया अगस्त 2020 तक आदविशेष ने अपने पहले शेड्यूल के ऊपर प्रॉपर वे में काम किया जहां पे दिसंबर 2021 तक शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करवा लिया गया फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम है जो डबिंग का काम है हिंदी वर्जन के लिए वो उसके बाद काम स्टार्ट किया गया था मेजर फिल्म को करीबन टोटल 120 दिनों में शूट किया गया था जहाँ पर करीबन 75 लोकेशंस को चेंज किया हुआ था फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग अलग गानों को रिकम्पोज किया गया था गाने कम्पोजिशन सेम थी क्रिएशन रिक्रिएट किया गया था दोनों वर्जन के लिए जहाँ पे चार गाने थे 2020 हज़ार बीस हजार के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था जिसको तेलुगु और हिंदी वर्जन में बनाया गया था जिसके राइट्स खरीदे हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था गानों को कंपोज किया गया था श्री सरन श्री चरण पकल्ला के द्वारा जहाँ पे 6 जून 2022 को जी म्यूज़िक के द्वारा इस फिल्म को ऑडियो प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म के जो टोटल चार गाने उसमें टाइटल ट्रैक सॉरी इस फिल्म के टोटल चार गाने हैं जिसमें पहला गाना है हृदयामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे कृष्णा कांत ने विनवी महे रमेश कुमार ने सिंगर थे सिद्ध श्री राम दूसरा गाना था ओ ईसा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राजीव भारद्वाज ने सिंगत थे अरमान मलिक और चिन्मय तीसरा गाना था जनगणन मनज जिसके लिरिक्स राजीव भारद्वाज ने लिखे हुए थे सिंगर थे टोबी चौथा गाना था कन्ना कन्ना जिसके लिरिक्स राम शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा ये तेलुगु वर्जन के टाइटल थे वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए साथिया नाम से पहला गाना रिलीज किया गया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे रितेश राजवाडा ने सिंगर थे जावेद अली दूसरा गाना ओ ईसा जिसको लिखा हुआ था पूजा जोशी ने सिंगर चेयरमैन मलिक और चिन्मयी तीसरा गाना था जना मन उसके लिरिक्स यश ईश्वरी ने, ने लिखे हुए थे सिंगर थे अमित मिश्रा चौथा गाना था मेरे लालना जिसके लिरिक्स रितेश राजवाड़ा ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा तो इस तरह से इन गानों को कंपोज किया गया था डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में सभी वर्जन के लिए गानों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसके अलावा अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल रखी गई थी जहाँ पे मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के चाइल्डहुड से लेकर जो ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन का मुंबई अटैक हुआ था वहाँ तक लाइफ जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई हुई है जहाँ पे आडविशेष का आदविशेष ने जिस तरह मेजर संदीप का रोल प्ले किया हुआ था साई मंजरेकर ने उनके वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था और आदवि का जो किरदार है संदीप उन्नी कृष्णन वो अपने यूनिफॉर्म के लिए कितने फैसिनेटेड है अपने आर्मी के लिए वो कितने वो ज्वाइन होने के लिए कितने आतुर है और सिविलियन को बचाने के लिए ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन मुंबई अटैक में जो उन्होंने काम किया हुआ था वो सभी चीज़ों के ऊपर अपनी सेक्रीफाइस के ऊपर उन्होंने उन जिस तरह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए कंट्री को एक प्राउड मोमेंट दिया हुआ था वो सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो उनके उनकी डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट को फिल्म में काफ़ी प्राउडली वे में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है जहाँ पे फ़िल्म की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़िया रखी गई थी फिल्म को रो नेचुरल और रियल रखने की कोशिश की हुई थी इस फिल्म की कहानी के सॉरी इस फिल्म के प्लस पॉइंट के ऊपर बात करें तो फिल्म में काफी ज्यादा काफी सारे प्लस पॉइंट है जहाँ पे मुंबई से ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन के अटैक के ऊपर फिल्म के सीन को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे उसको काफी बढ़िया इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म को सेट किया गया था फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले आदवी से इसने काफी इमोशनल मैनर में लिखा हुआ है जहाँ पे जितने भी एक्शन फा, फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते जो भी चीजें देखने को मिलती है उसके पीछे के जो इमोशंस दिखाए हुए पेट्रोटिज्म दिखाया हुआ है उसको स्क्रीन प्ले में बढ़िया तरीके से डाला हुआ है सोल्जर लाइफ को जिस तरह से पूरी तरह से परफेक्ट मैनर के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया था इसके अलावा फिल्म के परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो आदवी शेष अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करे थे मेजर के रोल में वो पूरी तरह से इस रोल को जिए हुए आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कि स्क्रीन पे आदवी शेष है या मेजर संदीप पूरी तरह से मेजर संदीप का किरदार उन्होंने जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाया हुआ है तो आप भूल जाओगे कि ये आदविशेष से है से। स्कूल गोइंग बॉय से लेकर यंगर सोल्जर तक जिस तरह से उन्होंने एक प्रेम वॉरियर का रोल प्ले किया हुआ है वो काबिल तारीफ है जिस तरह से अपने किरदार में ट्रांजिशन उन्होंने दिखाए हुए हैं उसमें अलग अलग सेट दिखाए हुए वो आपको जरूर पसंद आएंगे फिल्म में काफ़ी मैसिव एक्शन ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से ट्रीट किया हुआ है वो सभी चीज़ें स्क्रीन में और बेहतर नजर आ रही थी लुकवाइज आद विशेष काफी हैंडसम नजर आ रहे थे साय मंजरेकर को इस फिल्म में उतना कुछ खास किरदार नहीं मिला था हाँ वाइप का रोल था लेकिन उतना कुछ नहीं था कि वो कुछ अलग करके दिखा पाए लेकिन जितना भी उनको रोल मिला जितना भी स्कोप था उसमें वो अच्छा परफॉर्म ब्यूटीफुल बीटिफु, मैनर में डिलीवर कर रही थी उनका रोल काफ़ी मीठी था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से आज विशेष के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो सुपअप थी प्रकाश राज रेवती इस फिल्म के लिए एक डेप्थ क्रिएट करते हैं खास करके इमोशनल एंगल में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस आता है वो फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट दे जाता है और वही चीज़ें फिल्म को जो इमोशंस है वो मजबूत करती है और फिल्म के एक्शन को और बेहतर बनाती है क्योंकि जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे की जो कहानी है जो पेट्रोटिज़म है जो इमोशन है वही फिल्म को बेहतर बनाता है और वो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी फिल्म का एंटायर सेकंड आप काफ़ी रेसी एक्शन के साथ दिखाया हुआ है काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो काफ़ी हाई ऑक्टेन के साथ दिखाए हुए हैं इसके अलावा फिल्म में एक्शन सिक्वेंस के साथ मिक्स पेट्रोटिज़म वाली

वो अच्छी तरह से कहानी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने किया हुआ था तो पहले हाफ में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है पहले पंद्रह मिनट में काफ़ी सारे ऐसे सीन हैं जो प्रिडिक्टेबल ज़रूर है स्लो थोड़े लगेंगे क्योंकि ये सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया होता है इसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले में आगे जाके वो सभी चीज़ों को बेहतर वे में यूज कर पाए स्क्रीन प्ले को लिखने की ये एक अलग टेक्निक थी जिसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था हस्बैंड वाइफ की जो इश्यू दिखाए हुए जितना ड्रामेटिक मैनर में दिखाया हुआ था वो ठीक था उसको ना दिखाते चलता मुंबई पुलिस को जिस तरह से की रोल था ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवेल में वो सभी चीज़ों को इस फिल्म में अच्छी तरह से अच्छे स्पेक के साथ दिखाया हुआ था इसके अलावा आदवी सेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम दिखाया हुआ है उन्होंने मेजर फिल्म में परफॉर्मेंसेस के साथ में स्टोरी डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपना योगदान भरपूर दिया हुआ है फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के सेट्स काफ़ी अच्छे थे फिल्म को ताज होटल को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें टॉप नॉप देखने को मिलती है फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से कैमरा मैन ने एनहेंस की हुई थी विजुअली फिल्म काफ़ी अच्छी नज़र आती है फिल्म को जिस तरह से फिल्म के थ्रिलिंग एक्शन मोमेंट को सॉलिड मैनर में हमारे सामने शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी अच्छी तरह से लिखे हुए फिल्म के लिरिक्स भी बढ़िया थे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पकला ने बखू भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में आपको काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स भी फिल्म के अच्छे थे इस फिल्म के डायरेक्टर शशि किरण टिक्का ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है काफ़ी सारे सीन को इमोशन डिपार्टमेंट एक्शन डिपार्टमेंट 啊啊 और साथ ही में पेट्रोटिज्मी फीलिंग को अच्छी तरह से परफेक्ट कॉम्बो के साथ उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन वाला जो अटैक है उन्होंने क्लाइमेक्स में बेहतरीन परफेक्ट मैनर में हैंडल किया हुआ था जहाँ पे डिटेलिंग के साथ उन्होंने बढ़िया चीज़ों को दिखाया हुआ है इस फिल्म को काफ़ी इमोशनल हाई के साथ हैंड एंड किया हुआ था वो फिल्म का बेस्ट पार्ट था जिस तरह से वो सभी चीज़ें दिखाई हुई थी वो नेरेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा आपको इमोशनल कर देगा और आपके अंदर पेट्रोटिजम वाली फीलिंग्स जरूर क्रिएट होगी ऑन एंड ऑल मेजर एक बढ़िया पेट्रोटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो परफेक्टली हाइप को लिव अप कर जाती है जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो उसको फुलफिल करने में बढ़िया तरीके से हेल्प करती है फिल्म में काफी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे जो रो नेचुरल रियल नजर आ रहे थे इंडियरिंग ड्रामा देखने को मिलेगा सोलिड देखने को मिलते एक्शन सिक्स है वो भी काफी बढ़िया थे तो ये सभी चीजें फिल्म की बेसिक एसेट थी फिल्म का स्लो स्टार्ट आपको थोड़ा इग्नोर कर देंगे कर दोगे तो और बेहतर रहेगा इसके अलावा इस फिल्म में आदविशेष ने जिस तरह से लीड किया हुआ है वो फिल्म को और चार चांद लगाता है उनका इमोशनल राइड आपको ज़रूर पसंद आएगा तो ओवरऑल संदीप उन्नी कृष्णन जी के ऊपर बनी ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी आपको मिस नहीं करनी चाहिए इस फिल्म को तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन में तीन सॉरी इस फिल्म को तेलुगु मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन में तीन जून दो को रिलीज़ किया गया था एक मिनट के रन टाइम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को आई एम डी पे करीबन बारह हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग हासिल है दस में से तो काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे सभी ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ था जिसकी बदौलत ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को और बेहतर वे में अच्छा रिस्पॉन्स दिलवाने में कामयाब रहा था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते ये फिल्म और बेहतर वे में लोगों को पसंद आई थी और ये सभी असर आपको फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेगा क्योंकि पंद्रह बीस करोड़ के अंदर पच्चीस करोड़ के अंदर बनी फिल्म ने अपने प्री रिलीज़ में थिएट्रिकल बिजनेस किया था पंद्रह करोड़ में तो पंद्रह करोड़ के आसपास फिल्म को बेचा गया था जहाँ पे हिंदी रीजन और जहाँ पे हिंदी रीजन में फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था साथ ही में तेलुगु और मलयालम में भी तेलुगु में ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था ऑफकोर्स क्योंकि आदिशेष वहाँ से बिलोंग करते हिंदी में स्क्रीन्स कम दी गई थी फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ दस लाख का ओपनिंग ओपनिंग डे का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहाँ पे फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटन शेयर कलेक्शन सात करोड़ बारह लाख का किया हुआ था और इस फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए जो फर्स्ट वीकेंड का नेट कलेक्शन था वो था करीबन, चारा करोड़ वो करीबन चार करोड़ छाछ लाख का और करीबन साढ़े चार पाँच करोड़ के आसपास का हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था तो ओवरऑल फिल्म ने दस जून दो तक पचास करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और तेरह दिनों के बाद फिल्म ने करीबन साठ करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिल्म का जितना बजट था जितने प्राइस में बेचा गया था तो वो सभी चीज़ें शायद पहले तीन दिनों में ही क्रॉस हो गई थी और पहले एक दो दिन में तो ओवर में इस फिल्म ने प्रॉफिटेबल कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और बाय द थर्ड वीकेंड फिल्म ने हिंदी वर्जन ने करीबन बारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था तो सिर्फ हिंदी वर्जन ने कम से कम स्क्रीन के साथ बहुत कम स्क्रीन बहुत यानी बहुत कम स्क्रीन दी गई थी मेजर विक्रम सभी फिल्म एक साथ आई थी सभी फिल्मों को क्योंकि तब आई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के बेस्ड ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म भले वो फिल्म अच्छी थी नहीं ना थी वो दूसरी बात है लेकिन उसको स्क्रीन ज़्यादा मिले होते जिसके चलते इस फिल्म को स्क्र... कम स्क्रीन मिलने के बावजूद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म तीन वीक तक चली हिंदी वर्जन में जहाँ पर बारह करोड़ के ऊपर का क्रॉस कलेक्शन किया और हिंदी वर्जन के साथ साथ दूसरे सभी वर्जन में सभी वर्जन में फिल्म ने एक बढ़िया प्रॉफिटेबल कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म को काफ़ी सराहना भी

विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाले तो ये फिल्म वहाँ पे आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट राइट्स हिंदी वर्जन के लिए सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेजर फिल्म का तेलुगू मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन का टेलीविज़न राइट से वो खरीदा हुआ है सोनी मैक्स वालों ने तो टेलीविज़न के ऊपर आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर फिल्म हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सेटेलाइट और ओ के ऊपर मेजर फिल्म इंजॉय कर पाओगे सभी अलग अलग वर्जन में बिल्कुल फ्री में मेजर जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको तेलुगू और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया है बारी बारी से इसके अलावा मलयालम लैंग्वेज में डॉप्ट किया गया है ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म थी जहाँ पे फिल्म की कहानी फिल्म के जो लीड किरदार है संदीप उन कृष्णन जो एक मेजर थे जो एक कैप्टन थे उनके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ जर्नी दिखाई हुई है तो ये एक फिल्म ओरिजिनल ड्रामा के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने फिल्म की कहानी का आइडिया आडवी सेस का था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है इसके अलावा स्क्रिप्टिंग का काम उन्होंने किया हुआ था तो स्टोरी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले के बाद जो डायलॉग्स थे वो अबूरी रवि ने तेलुगु वर्जन के लिखे हुए थे अक्सर अजय शर्मा ने हिंदी वर्जन के लिए और डरेक्शन किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने जिन्होंने इससे पहले आडवी से इसके साथ गुडाचार्य फिल्म में भी ब्लॉकबस्टर काम करके दिया हुआ है फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आठ विशेष देखने को मिलेंगे प्रकाश राज शोभिता धूलीपाला साई मंजरेकर इसके अलावा रेवती मुरली शर्मा अनिस्कुरुविल्ला ग्रीष्मा पृथ्वी चाणक्य तेजस अभिनव सिंह राघव वीरा मुड केविन के विनीत चंद्र रोकी गोंडले और वरुण ज्ञानचंद्रन इतने लोग आपको इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुपरस्टार महेश बाबू ने नम्रता सिरोतकर जो उनकी वाइफ है अनुराग रेड्डी और शरद चंद्रा ने तो ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 20 से 25 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ था पेन इंडिया लेवल के ऊपर देखें तो एक मीडियम लो बजट माना जाएगा अदरवाइज एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से देखें तो एक अच्छा खासा बजट माना जाएगा फिल्म को हिंदी तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया हुआ है जिस वजह से फिल्म के एक सीन के ऊपर डबल बार शूटिंग की गई है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी वामसी पाची ने की हुई एडिटिंग की हुई विनय कुमार श्रृंगनिधि ने और कोड़ाती पवन कल्याण ने जिन्होंने फिल्म को एक पचास मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे उनतीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी करीबन ढाई घंटे के रन टाइम के साथ फिल्म को बनाया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पाकल्ला ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म को 25 करोड़ के बजट के साथ सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए प्लस एस मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी थे जिन्होंने फिल्म को तेलुगु तमिल और हिंदी सॉरी तेलुगु मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म के दो टाइटल रजिस्टर करवाए थे जब प्रॉपर अनाउंसमेंट किया था तब जहाँ पे पहला टाइटल था मेजर दूसरा था मेजर संदीप उसके बाद में इस फिल्म के बायोपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया जहाँ पे स्टोरी के ऊपर डेवलपमेंट हुई बाद में फिक्स किया गया कि इस फिल्म को मेजर संदीप नाम दिया जाएगा लेकिन उसके बाद में फाइनली फिल्म को मेजर के नाम से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था इस फिल्म के लिए मेजर संदीप के पिता से जनवरी 2019 में बातचीत हुई थी उनके पेरेंट्स से जहां पे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के ऊपर बात की गई थी और उसके बाद में फिल्म का काम आगे किया गया था फिल्म को ऑफिशियली फरवरी 2020 में सॉरी 2019 में अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि आड विशेष इस, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे और सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे कोलोबरेट करते हुए नजर आएंगे सोनी पिक्चर इंटरनेशनल प्रोडक्शन और ए प्लेस मूवीज ए प्लस एस मूवीज इसके अलावा मेजर फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट करने का फैसला लिया गया था उसके बाद में ये जो किरदार है संदीप सर जो प्रॉपर मेजर संदीप है वो प्रॉपरली मलयालम लैंग्वेज यानी कि के केरला से बिलोंग करते जिस वजह से मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे फिल्म के तेलुगु कास्ट एंड क्रू के और हिंदी वर्जन के लिए दोनों के लिए अलग अलग कास्ट और क्रू को लिया गया था जहाँ पे जो हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज परफेक्टली बोल सके उनको कुछ और इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फरवरी 2020 में स्टार्ट की गई थी जहां पे मार्च 2020 तक फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा कोविड 19 की वजह से उसके बाद में सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई जहां पे उसी महीने में फिल्म की शूटिंग को करीबन 50 परसेंट तक कंप्लीट करवा लिया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को हैदराबाद में किया गया अक्टूबर दो में सोबिता दुल्लीपाला ने अपना पोर्सन नवंबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया अगस्त 2020 तक आदविशेष ने अपने पहले शेड्यूल के ऊपर प्रॉपर वे में काम किया जहां पे दिसंबर 2021 तक शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करवा लिया गया फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम है जो डबिंग का काम है हिंदी वर्जन के लिए वो उसके बाद काम स्टार्ट किया गया था मेजर फिल्म को करीबन टोटल 120 दिनों में शूट किया गया था जहाँ पे करीबन पिचत्तर लोकेशंस को चेंज किया हुआ था फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग अलग गानों को रिकम्पोज किया गया था गाने कंपोजिशन सेम थी क्रिएशन रिक्रिएट किया गया था दोनों वर्जन के लिए जहाँ पे चार गाने थे 2020 हजार 22 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था जिसको तेलुगु और हिंदी वर्जन में बनाया गया था जिसके राइट्स खरीदे हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था गानों को कंपोज किया गया था श्री सरन श्री चरण पकल्ला के द्वारा जहां पे 6 जून 2022 को जी म्यूजिक के द्वारा इस फिल्म को ऑडियो प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में तेलगु और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म के जो टोटल चार गाने उसमें टाइटल ट्रैक सॉरी इस फिल्म के टोटल चार गाने जिसमें पहला गाना है हृदयामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे कृष्णा कांत ने विनिवी महे रमेश कुमार ने सिंग थे सिद्ध श्री राम दूसरा गाना था ओ ईसा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राजीव भारद्वाज ने सिंगत थे अरमान मलिक और चिन्मय तीसरा गाना था जनगणना मन जिसके लिरिक्स राजीव भारद्वाज ने लिखे हुए थे सिंगर थे तो जान टोबी चौथा गाना था कन्ना कन्ना जिसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे केस के एस चित्रा ये तेलुगु वर्जन के टाइटल थे वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए साथिया नाम से पहला गाना रिलीज किया गया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे रितेश राजवाडा ने सिंगर थे राजा जावेद अली दूसरा गाना ओ ईसा जिसको लिखा हुआ था पूजान जोशी ने सिंगर थे अरमन मलिक और चिन्मयी तीसरा गाना था जन मन उसके लिरिक्स यश ईश्वरी ने लिखे हुए थे सिंगत अमित मिश्रा चौथा गाना था मेरे लालना जिसके लिरिक्स रितेश राज ने लिखे हुए थे सिंगति के एस चित्रा तो इस तरह से इन गानों को कंपोज किया गया था डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में सभी वर्जन के लिए गानों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसके अलावा अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी काफी सिंपल रखी गई थी जहाँ पे मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के चाइल्डहुड से लेकर जो 26 सिक्स बाई इलेवन का मुंबई अटैक हुआ था वहाँ तक लाइव जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई हुई है जहाँ पे आडविशेष का आदवि सेस ने जिस तरह मेजर संदीप का रोल प्ले किया हुआ था साई मंजरेकर ने उनके वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था और आदवि सेस का जो किरदार है संदीप उन्नी कृष्णन वो अपने यूनिफॉर्म के लिए कितने फैसिनेटेड है अपने आर्मी के लिए वो कितने वो ज्वाइन होने के लिए कितने आतुर है और सिविलियन को बचाने के लिए ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन मुंबई अटैक में जो उन्होंने काम किया हुआ था वो सभी चीज़ों के ऊपर अपनी सेक्रीफाइस के ऊपर उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए कंट्री को एक प्राउड मोमेंट दिया हुआ था वो सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो उनके उनकी डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट को फिल्म में काफ़ी प्राउडली वे में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है जहाँ पे फ़िल्म की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़िया रखी गई थी फिल्म को रो नेचुरल और रियल रखने की कोशिश की हुई थी इस फिल्म की कहानी के सॉरी इस फिल्म के प्लस पॉइंट के ऊपर बात करें तो फिल्म में काफी ज्यादा काफी सारे प्लस पॉइंट है जहाँ पे मुंबई से ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन के अटैक के ऊपर फिल्म के सीन को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे उसको काफी बढ़िया इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म को सेट किया गया था फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले आदवि से इसने काफी इमोशनल मैनर में लिखा हुआ है जहाँ पे जितने भी एक्शन फा, फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते जो भी चीजें देखने को मिलती है उसके पीछे के जो इमोशंस दिखाए हुए पेट्रोटिज्म दिखाया हुआ है उसको स्क्रीन प्ले में बढ़िया तरीके से डाला हुआ है सोल्जर की लाइफ को जिस तरह से पूरी तरह से परफेक्ट मैनर के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया था इसके अलावा फिल्म के परफॉर्मेंसिस के बारे में बात करें तो आदवी से अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करे थे मेजर के रोल में वो पूरी तरह से इस रोल को जिए हुए आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कि स्क्रीन पे आदवी है या मेजर संदीप पूरी तरह से मेजर संदीप का किरदार उन्होंने जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाया हुआ है तो आप भूल जाओगे कि ये आदवी है

उतना कुछ नहीं था कि वो कुछ अलग करके दिखा पाए लेकिन जितना भी उनको रोल मिला जितना भी स्कोप था उसमें वो अच्छा परफॉर्म ब्यूटीफुल मैनर में डिलीवर कर रही थी उनका रोल काफी मीठी था फर्स्ट ऑफ में जिस तरह से आद्विशेश के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो सुपर्ब थी प्रकाश राज रेवती इस फिल्म के लिए एक डेप्थ क्रिएट करती है खास करके इमोशनल एंगल में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस आता है वो फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट दे जाता है और वही चीज़ें फिल्म को जो इमोशंस है वो मजबूत करती है और फिल्म के एक्शन को और बेहतर बनाती है क्योंकि जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे की जो कहानी है जो पेट्रोटिज्म है जो इमोशन है वही फिल्म को बेहतर बनाता है और वो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी फिल्म का एंटायर सेकंड हाफ काफ़ी रेसी एक्शन के साथ दिखाया हुआ है काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो काफ़ी हाई ऑक्टेन के साथ दिखाए हुए हैं इसके अलावा फिल्म में एक्शन सीक्वेंस के साथ मिक्स पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग भी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई है शोबिता दूली ने अपना रोल इतना बेहतरीन वे में डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से उनका वो कैरेक्टर फिल्म के क्लाइमेक्स को और बेहतर बनाता है इस फिल्म को काफ़ी स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया हुआ था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी चीजें पसंद नहीं आएगी वो स्क्रीन पे चल रही है तो आप जरूर देखना पसंद करोगे स्कूल डे के सीन को मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की लाइफ को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से कहानी को स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने किया हुआ था तो पहले हाफ में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है पहले पंद्रह मिनट में काफ़ी सारे ऐसे सीन हैं जो प्रिडिक्टेबल ज़रूर है स्लो थोड़े लगेंगे क्योंकि ये सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया होता है इसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले में आगे जाके वो सभी चीज़ों को बेहतर वे में यूज कर पाए स्क्रीन प्ले को लिखने की ये एक अलग टेक्निक थी जिसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था हस्बैंड वाइफ की जो इश्यू दिखाए हुआ है जितना ड्रामेटिक मैनर में दिखाया हुआ था वो ठीक था उसको ना दिखाते चलता मुंबई पुलिस को जिस तरह से की रोल था ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवेल में वो सभी चीज़ों को इस फिल्म में अच्छी तरह से अच्छे स्पेक के साथ दिखाया हुआ था इसके अलावा आदवी सेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम दिखाया हुआ है उन्होंने मेजर फिल्म में परफॉर्मेंसेस के साथ में स्टोरी डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपना योगदान भरपूर दिया हुआ है फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के सेट्स काफ़ी अच्छे थे फिल्म को ता, ताज ताज होटल को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें टॉप नॉप देखने को मिलती है फिल्म की हर एक फ्रेम काफी बढ़िया तरीके से कैमरा मैन ने एनहेंस की हुई थी विजुअली फिल्म काफी अच्छी नज़र आती है फिल्म को जिस तरह से फिल्म के थ्रिलिंग एक्शन मोमेंट को सॉलिड मैनर में हमारे सामने सोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी अच्छी तरह से लिखे हुए फिल्म के लिरिक्स भी बढ़िया थे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पकल्ला ने बखू भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में आपको काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स भी फिल्म के अच्छे थे इस फिल्म के डायरेक्टर शशि किरण टिक्का ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है काफ़ी सारे सीन को इमोशन डिपार्टमेंट एक्शन डिपार्टमेंट ड्रामा और साथ ही में पेट्रोटिज्म वाले फीलिंग को अच्छी तरह से परफेक्ट कॉम्बो के साथ उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन वाला जो अटैक है उन्होंने क्लाइमेक्स में बेहतरीन परफेक्ट मैनर में हैंडल किया हुआ था जहाँ पे डिटेलिंग के साथ उन्होंने बढ़िया चीज़ों को दिखाया हुआ है इस फिल्म को काफ़ी इमोशनल हाई के साथ हैंड एंड किया हुआ था वो फिल्म का बेस्ट पार्ट था जिस तरह से वो सभी चीज़ें दिखाई हुई थी वो नरेशन आपको जरूर पसंद आएगा आपको इमोशनल कर देगा और आपके अंदर पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग्स जरूर क्रिएट होगी ऑन एंड होल मेजर एक बढ़िया पेट्रोटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो परफेक्टली आपके हाइप को लिव अप कर जाती है जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो उसको फुलफिल करने में बढ़िया तरीके से हेल्प करती है फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे जो नो नेचुरल रियल नज़र आ रहे थे इंडियनिंग ड्रामा देखने को मिलेगा सोलिड सील्स देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया थे तो ये सभी चीज़ें फिल्म की बेसिक एसेट थी फिल्म का स्लो स्टार्ट आपको थोड़ा इग्नोर कर देंगे कर दोगे तो और बेहतर रहेगा इसके अलावा इस फिल्म में आदि ने जिस तरह से लीड किया हुआ है वो फिल्म को और चार चांद लगा देता है उनका इमोशनल राइड आपको जरूर पसंद आएगा तो ओवरऑल संदीप उन्नी कृष्णन जी के ऊपर बनी ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी आपको मिस नहीं करनी चाहिए इस फिल्म को तेलुगू तमिल और हिंदी तीनों वर्ज़न में तीन सॉरी इस फिल्म को तेलुगु मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन में तीन जून दो को रिलीज किया गया था एक मिनट के रन टाइम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को आई पे करीबन बारह हजार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग हासिल है दस में से तो काफी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे सभी ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ था जिसकी बदौलत ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को और बेहतर वे में अच्छा रिस्पांस दिलवाने में कामयाब रहा था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ये फिल्म और बेहतर वे में लोगों को पसंद आई थी और ये सभी असर आपको फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेगा क्योंकि पंद्रह बीस करोड़ के अंदर पच्चीस करोड़ के अंदर बनी फिल्म ने अपने प्री रिलीज़ में थिएट्रिकल बिजनेस किया था पंद्रह करोड़ में तो पंद्रह करोड़ के आसपास फिल्म को बेचा गया था जहाँ पे हिंदी रीजन और, और जहाँ पे हिंदी रीजन में फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था साथ ही में तेलुगु और मलयालम में भी तेलुगु में ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था ऑफकोर्स क्योंकि आदि से वहाँ से बिलोंग करते हिंदी में स्क्रीन्स कम दी गई थी फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ दस लाख का ओपनिंग ओपनिंग डे का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहाँ पे फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटन शेयर कलेक्शन सात करोड़ बारह लाख का किया हुआ था और इस फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए जो फर्स्ट वीकेंड का नेट कलेक्शन था वो था करीबन चार करोड़ छाछ लाख का और करीबन साढ़े चार पाँच करोड़ के आसपास का हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था तो ओवरऑल फिल्म ने दस जून दो तक पचास करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और तेरह दिनों के बाद फिल्म ने करीबन साठ करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिल्म का जितना बजट था जितने प्राइस में बेचा गया था तो वो सभी चीज़ें शायद पहले तीन दिनों में ही क्रॉस हो गई थी और पहले एक दो दिन में तो और इस फिल्म ने प्रॉफिटेबल कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और बाय द थर्ड वीकेंड फिल्म ने हिंदी वर्जन ने करीबन बारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था तो सिर्फ हिंदी वर्जन ने कम से कम स्क्रीन के साथ बहुत कम स्क्रीन बहुत यानी बहुत कम स्क्रीन दी गई थी मेजर विक्रम सभी फिल्म एक साथ आई थी सभी फिल्मों को क्योंकि तब आई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के बेस्ड ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म भले वो फिल्म अच्छी थी, थी नहीं ना थी वो दूसरी बात है लेकिन उसको स्क्रीन ज़्यादा मिले होते जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रेंग, कम स्क्रीन मिलने के बावजूद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म तीन वीक तक चली हिंदी वर्जन में जहाँ पे बारह करोड़ के ऊपर का क्रॉस कलेक्शन किया और हिंदी वर्जन के साथ साथ दूसरे सभी वर्जन में सभी वर्जन में फिल्म ने एक बढ़िया प्रॉफिटेबल कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म को काफ़ी सराहना भी मिली थी अब हम बात करें इस फिल्म को कहाँ पे ओ के ऊपर कहाँ पे सेटेलाइट के ऊपर आप ये देख सकते हो तो फिल्म के ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम में इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए सभी वर्जन के लिए तेलुगु मलयालम और हिंदी जहाँ पे तेलुगु और हिंदी है वो मेन वर्जन है मलयालम डब्ड वर्जन है तो ये सभी वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेंगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाले तो ये फिल्म वहाँ पे आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट राइट्स हिंदी वर्जन के लिए सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेजर फिल्म का तेलुगू मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन का टेलीविज़न राइट से वो खरीदा हुआ है सोनी मैक्स वालों ने तो टेलीविजन के ऊपर आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर फिल्म हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सेटेलाइट और ओ के ऊपर मेजर फिल्म इंजॉय कर पाओगे सभी अलग अलग वर्जन में बिल्कुल फ्री में मेजर जो दो की इंडियन बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्में जिसको तेलुगू और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया है बारी बारी से इसके अलावा मलयालम लैंग्वेज में डॉप्ट किया गया है ये एक पेन इंडिया लेवल की फ़िल्म थी जहाँ पे फिल्म की कहानी फिल्म के जो लीड किरदार है संदीप कृष्णन जो एक मेजर थे जो एक कैप्टन थे उनके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ जर्नी दिखाई हुई है तो ये एक फिल्म ओरिजिनल ड्रामा के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने फिल्म की कहानी का आइडिया आडवी सेस का था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है इसके अलावा स्क्रिप्टिंग का काम उन्होंने किया हुआ था तो स्टोरी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले के बाद जो डायलॉग्स थे वो अबूरी रवि ने तेलुगु वर्जन के लिखे हुए थे अक्षत अजय शर्मा ने हिंदी वर्जन के लिए और डिरेक्शन किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने जिन्होंने इससे पहले आडवी सेस के साथ गुडाचार्य फिल्म में भी ब्लॉकबस्टर काम करके दिया हुआ है फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आठ विशेष देखने को मिलेंगे प्रकाश राज शोभिता धूलिपाला साई मंजरेकर इसके अलावा रेवती मुरली शर्मा अनिस्कुरुविल्ला ग्रीष्मा पृथ्वी चाणक्य तेजस अभिनव सिंह राघव वीरा मुड केविन के विनीत चंद्र रोकी गोंडले और वरुण ज्ञानचंद्रन इतने लोग आपको इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुपरस्टार महेश बाबू ने नम्रता सिरोतकर जो उनके वाइफ है अनुराग रेड्डी और शरद चंद्रा ने तो ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 20 से 25 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ था पेन इंडिया लेवल के ऊपर देखे तो एक मीडियम लो बजट माना जाएगा अदरवाइज एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से देखें तो एक अच्छा खासा बजट माना जाएगा फिल्म को हिंदी तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया हुआ है जिस वजह से फिल्म के एक सीन के ऊपर डबल बार शूटिंग की गई है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी वामसी पाची पुलुसू ने की हुई एडिटिंग की हुई विनय कुमार श्रृंग ने और कोडाती पवन कल्याण ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे उनतीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी करीबन ढाई घंटे के रन टाइम के साथ फिल्म को बनाया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पाकल्ला ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म को पच्चीस करोड़ के बजट के साथ सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल जी बाबू एंटरटेनमेंट और ए प्लस एस मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे

उसके बाद में इस फिल्म के बायोपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया जहाँ पे स्टोरी के ऊपर डेवलपमेंट हुई बाद में फ़िक्स किया गया कि इस फिल्म को मेजर संदीप नाम दिया जाएगा लेकिन उसके बाद में फा, फाइनली फिल्म को मेजर के नाम से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था इस फिल्म के लिए मेजर संदीप के पिता से जनवरी 2019 में बातचीत हुई थी उनके पेरेंट्स से जहां पे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के ऊपर बात की गई थी और उसके बाद में फिल्म का काम आगे किया गया था फिल्म को ऑफिशियली फरवरी 2020 में सॉरी 2019 में अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि आड विशेष इस, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे और सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे कोलोबरेट करते हुए नजर आएंगे सोनी पिक्चर इंटरनेशनल प्रोडक्शन और ए प्लेस मूवीज ए प्लस एस मूवीज इसके अलावा मेजर फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट करने का फैसला लिया गया था उसके बाद में ये जो किरदार है संदीप सर जो प्रॉपर मेजर संदीप है वो प्रॉपरली मलयालम लैंग्वेज यानी कि केरला से बिलोंग करते जिस वजह से मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे फिल्म के तेलुगु कास्ट एंड क्रू के और हिंदी वर्जन के लिए दोनों के लिए अलग अलग कास्ट और क्रू को लिया गया था जहाँ पे जो हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज परफेक्टली बोल सके उनको कुछ और इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फरवरी 2020 में स्टार्ट की गई थी जहां पे मार्च 2020 तक फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा कोविड 19 की वजह से उसके बाद में सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई जहां पे उसी महीने में फिल्म की शूटिंग को करीबन 50 परसेंट तक कंप्लीट करवा लिया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को हैदराबाद में किया गया अक्टूबर दो में सोबिता दुल्लीपाला ने अपना पोस्टर नवंबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया अगस्त 2020 हज़ार बीस तक आदविशेष ने अपने पहले शेड्यूल के ऊपर प्रॉपर वे में काम किया जहां पे दिसंबर 2021 तक शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करवा लिया गया फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम है जो डबिंग का काम है हिंदी वर्जन के लिए वो उसके बाद काम स्टार्ट किया गया था मेजर फिल्म को करीबन टोटल 120 दिनों में शूट किया गया था जहाँ पे करीबन पिचहत्तर लोकेशंस को चेंज किया हुआ था फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग अलग गानों को रिकम्पोज किया गया था गाने कंपोजिशन सेम थी क्रिएशन रिक्रिएट किया गया था दोनों वर्जन के लिए जहाँ पे चार गाने थे 2020 हजार 22 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था जिसको तेलुगु और हिंदी वर्जन में बनाया गया था जिसके राइट्स खरीदे हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था गानों को कंपोज किया गया था श्री सरन श्री चरण पकल्ला के द्वारा जहां पे 6 जून दो हज़ार बाईस को जी म्यूजिक के द्वारा इस फिल्म को ऑडियो प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में तेलुगू और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म के जो टोटल चार गाने उसमें टाइटल ट्रैक सॉरी इस फिल्म के टोटल चार गाने जिसमें पहला गाना है रुदयामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे कृष्णा कांत ने विनिवी महे रमेश कुमार ने सिंगत थे सिद्ध श्री राम दूसरा गाना था ओ ईसा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राजीव भारद्वाज ने सिंगत थे अरमान मलिक और चिन्मय तीसरा गाना था जनगन मन जिसके लिरिक्स राजीव भारद्वाज ने लिखे हुए थे सिंगत थे तोजान टोबी तो चौथा गाना था कन्ना कन्ना जिसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा ये तेलुगु वर्जन के टाइटल थे वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए साथिया नाम से पहला गाना रिलीज किया गया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे रितेश राजवाडा ने सिंगर थे राजा जावेद अली दूसरा गाना ओ ईसा जिसको लिखा हुआ था पूजा जोशी ने सिंगर थे अरमन मलिक और चिन्मयी तीसरा गाना था जन मना उसके लिरिक्स यश ईश्वरी ने लिखे हुए थे सिंगर थे अमित मिश्रा चौथा गाना था मेरे लालना जिसके लिरिक्स रितेश राजवाड़ा ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा तो इस तरह से इन गानों को कंपोज किया गया था डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में सभी वर्जन के लिए गानों को अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था इसके अलावा अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी काफी सिंपल रखी गई थी जहां पे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के चाइल्डहुड से लेकर जो 26 सिक्स बाई इलेवन का मुंबई अटैक हुआ था वहाँ तक लाइव जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई हुई है जहाँ पे आडविशेष का आरवि सेस ने जिस तरह मेजर संदीप का रोल प्ले किया हुआ था साई मंजरेकर ने उनके वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था और आदवि सेस का जो किरदार है संदीप उन कृष्णन वो अपने यूनिफॉर्म के लिए कितने फैसिनेटेड है अपने आर्मी के लिए वो कितने वो ज्वाइन होने के लिए कितने आतुर है और सिविलियन को बचाने के लिए ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन मुंबई अटैक में जो उन्होंने काम किया हुआ था वो सभी चीज़ों के ऊपर अपनी सेक्रीफाइस के ऊपर उन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए कंट्री को एक प्राउड मोमेंट दिया हुआ था वो सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो उनके उनकी डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट को फिल्म में काफ़ी प्राउडली वे में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है जहाँ पे फ़िल्म की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़िया रखी गई थी फिल्म को रो नेचुरल और रियल रखने की कोशिश की हुई थी इस फिल्म की कहानी के सॉरी इस फिल्म के प्लस पॉइंट के ऊपर बात करें तो फिल्म में काफी ज्यादा काफी सारे प्लस पॉइंट है जहाँ पे मुंबई से ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन के अटैक के ऊपर फिल्म के सीन को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे उसको काफ़ी बढ़िया इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म को सेट किया गया था फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले आदवि सेस ने काफ़ी इमोशनल मैनर में लिखा हुआ है जहाँ पे जितने भी एक्शन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते जो भी चीज़ें देखने को मिलती है उसके पीछे के जो इमोशंस दिखाए हुए पेट्रोटिज्म दिखाया हुआ है उसको स्क्रीन प्ले में बढ़िया तरीके से डाला हुआ है सोल्जर की लाइफ को जिस तरह से पूरी तरह से परफेक्ट मैनर के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया था इसके अलावा फिल्म के परफॉर्मेंसिस के बारे में बात करें तो आदवि सेस अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करे थे मेजर के रोल में वो पूरी तरह से इस रोल को जिए हुए आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कि स्क्रीन पे आदवी से या मेजर संदीप पूरी तरह से मेजर संदीप का किरदार उन्होंने जिस तरह स्क्रीन पे दिखाया हुआ है तो आप भूल जाओगे

उतना कुछ नहीं था कि वो कुछ अलग करके दिखा पाए लेकिन जितना भी उनको रोल मिला जितना भी स्कोप था उसमें वो अच्छा परफॉर्म ब्यूटीफुल मैनर में डिलीवर कर रही थी उनका रोल काफी मीठी था फर्स्ट आप में जिस तरह से आदविशेष के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो सुपअप थी प्रकाश राज रेवती इस फिल्म के लिए एक डेप्थ क्रिएट करती है खास करके इमोशनल एंगल में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस आता है वो फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट दे जाता है और वही चीज़ें फिल्म को जो इमोशंस है वो मजबूत करती है और फिल्म के एक्शन को और बेहतर बनाती है क्योंकि जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे की जो कहानी है जो पेट्रोटिज्म है जो इमोशन है वही फिल्म को बेहतर बनाता है और वो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी फिल्म का एंटायर सेकंड हाफ काफ़ी रेसी एक्शन के साथ दिखाया हुआ है काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो काफ़ी हाई ऑक्टेन के साथ दिखाए हुए हैं इसके अलावा फिल्म में एक्शन सीक्वेंस के साथ मिक्स पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग भी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई है शोभिता दूली ने अपना रोल इतना बेहतरीन वे में डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से उनका वो कैरेक्टर फिल्म के क्लाइमेक्स को और बेहतर बनाता है इस फिल्म को काफ़ी स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया हुआ था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी चीजें पसंद नहीं आएगी वो स्क्रीन पे चल रही है तो आप जरूर देखना पसंद करोगे स्कूल डे के सीन को मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की लाइव को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से कहानी को स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने किया हुआ था तो पहले हाफ में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है पहले पंद्रह मिनट में काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो प्रिडिक्टेबल ज़रूर है स्लो थोड़े लगेंगे क्योंकि ये सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया होता है इसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले में आगे जाके वो सभी चीज़ों को बेहतर वे में यूज़ कर पाए स्क्रीन प्ले को लिखने की ये एक अलग टेक्निक थी जिसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था हस्बैंड वाइफ की जो इश्यू दिखाया हुआ है जितना ड्रामेटिक मैनर में दिखाया हुआ था वो ठीक था उसको ना दिखाते चलता मुंबई पुलिस को जिस तरह से की रोल था ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवल में वो सभी चीज़ों को इस फिल्म में अच्छी तरह से अच्छे स्पेक के साथ दिखाया हुआ था इसके अलावा आदवी सेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम दिखाया हुआ है उन्होंने मेजर फिल्म में परफॉर्मेंसेस के साथ में स्टोरी डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपना योगदान भरपूर दिया हुआ है फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के सेट्स काफ़ी अच्छे थे फिल्म को ताज होटल को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो सभी चीजें टॉप नाउप देखने को मिलती है फिल्म की हर एक फ्रेम काफी बढ़िया तरीके से कैमरा मैन ने एनहेंस की हुई थी विजुअली फिल्म काफी अच्छी नजर आती है फिल्म को जिस तरह से फिल्म के थ्रिलिंग एक्शन मूवमेंट को सॉलिड मैनर में हमारे सामने सोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के डायलॉग्स काफी अच्छी तरह से लिखे हुए फिल्म के लिरिक्स भी बढ़िया थे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पकल्ला ने बखू भी काफी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में आपको काफी बढ़िया नजर आएगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स भी फिल्म के अच्छे थे इस फिल्म के डायरेक्टर शशि किरण टिक्का ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है काफी सारे सीन को इमोशन डिपार्टमेंट एक्शन डिपार्टमेंट ड्रामा और साथ ही में वाले फीलिंग को अच्छी तरह से परफेक्ट कॉम्बो के साथ उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन वाला जो अटैक है उन्होंने क्लाइमेक्स में बेहतरीन परफेक्ट मैनर में हैंडल किया हुआ था जहाँ पे डिटेलिंग के साथ उन्होंने बढ़िया चीज़ों को दिखाया हुआ है इस फिल्म को काफ़ी इमोशनल हाई के साथ हैंड एंड किया हुआ था वो फिल्म का बेस्ट पार्ट था जिस तरह से वो सभी चीज़ें दिखाई हुई थी वो नेरेशन आपको जरूर पसंद आएगा आपको इमोशनल कर देगा और आपके अंदर पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग्स जरूर क्रिएट होगी ऑन एंड होल मेजर एक बढ़िया पेट्रोटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो परफेक्टली आपके हाइप को लिवअप कर जाती है जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो उसको फुलफिल करने में बढ़िया तरीके से हेल्प करती है फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे जो रो नेचुरल रियल नज़र आ रहे थे इंडियनिंग ड्रामा देखने को मिलेगा सॉलिड सील्स देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया थे तो ये सभी चीज़ें फिल्म की बेसिक एसेट थी फिल्म का स्लो स्टार्ट आपको थोड़ा इग्नोर कर देंगे कर दोगे तो और बेहतर रहेगा इसके अलावा इस फिल्म में आदि ने जिस तरह से लीड किया हुआ है वो फिल्म को और चार चाँद लगाता है उनका इमोशनल राइड आपको जरूर पसंद आएगा तो ओवरऑल संदीप उन्नी कृष्णन जी के ऊपर बनी ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी आपको मिस नहीं करनी चाहिए इस फिल्म को तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्ज़न में तीन सॉरी इस फिल्म को तेलुगु मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन में तीन जून दो को रिलीज किया गया था एक मिनट के रन टाइम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को आई पे करीबन बारह हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग हासिल है दस में से तो काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे सभी ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ था जिसकी बदौलत ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को और बेहतर वे में अच्छा रिस्पांस दिलवाने में कामयाब रहा था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते फिल्म और बेहतर वे में लोगों को पसंद आई थी और ये सभी असर आपको फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेगा क्योंकि पंद्रह बीस करोड़ के अंदर पच्चीस करोड़ के अंदर बनी फिल्म ने अपने प्री रिलीज में थिएट्रिकल बिजनेस किया था पंद्रह करोड़ में तो पंद्रह करोड़ के आसपास फिल्म को बेचा गया था जहाँ पे हिंदी रीजन और जहां पे हिंदी रीजन में फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था साथ ही में तेलुगु और मलयालम में भी तेलुगु में ज्यादा कलेक्शन किया हुआ था क्योंकि आज विशेष वहां से बिलोंग करते हिंदी में स्क्रीन कम दी गई थी फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ दस लाख का ओपनिंग ओपनिंग डे का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहाँ पे फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटन शेयर कलेक्शन सात करोड़ बारह लाख का किया हुआ था और इस फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए जो फर्स्ट वीकेंड का नेट कलेक्शन था वो था करीबन चार करोड़ छाछठ लाख का और करीबन साढ़े चार पाँच करोड़ के आसपास का हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था तो ओवरऑल फिल्म ने दस जून दो तक पचास करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और तेरह दिनों के बाद फिल्म ने करीबन साठ करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिल्म का जितना बजट था जितने प्राइस में बेचा गया था तो वो सभी चीज़ें शायद पहले तीन दिनों में ही क्रॉस हो गई थी और पहले एक दो दिन में तो और इस फिल्म ने प्रॉफिटेबल कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और बाय द थर्ड वीकेंड फिल्म ने हिंदी वर्जन ने करीबन बारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था तो सिर्फ हिंदी वर्जन ने कम से कम स्क्रीन के साथ बहुत कम स्क्रीन बहुत यानी बहुत कम स्क्रीन दी गई थी मेजर विक्रम सभी फिल्म एक साथ आई थी सभी फिल्मों को क्योंकि तब आई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के बेस्ड ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म भले वो फिल्म अच्छी थी, थी नहीं ना थी वो दूसरी बात है लेकिन उसको स्क्रीन ज़्यादा मिले हुए जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रेंस कम स्क्रीन मिलने के बावजूद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म तीन वीक तक चली हिंदी वर्जन में जहाँ पे बारह करोड़ के ऊपर का क्रॉस कलेक्शन किया और हिंदी वर्जन के साथ साथ दूसरे सभी वर्जन में सभी वर्जन में फिल्म ने एक बढ़िया प्रॉफिटेबल कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म को काफ़ी सराहना भी मिली थी अब हम बात करें इस फिल्म को कहाँ पे ओ के ऊपर कहाँ पे सेटेलाइट के ऊपर आप ये देख सकते हो तो फिल्म के ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम में इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए सभी वर्जन के लिए तेलुगु मलयालम और हिंदी जहाँ पे तेलुगु और हिंदी है वो मेन वर्जन है मलयालम डब्ड वर्जन है तो ये सभी वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेंगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाले तो ये फिल्म वहाँ पे आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट राइट्स हिंदी वर्जन के लिए सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेजर फिल्म का तेलुगू मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन का टेलीविज़न राइट से वो खरीदा हुआ है सोनी मैक्स वालों ने तो टेलीविजन के ऊपर आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर फिल्म हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सेटेलाइट और ओ के ऊपर मेजर फिल्म इंजॉय कर पाओगे सभी अलग अलग वर्जन में बिल्कुल फ्री में मेजर जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्में जिसको तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया है बारी बारी से इसके अलावा मलयालम लैंग्वेज में डॉप्ट किया गया है ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म थी जहाँ पे फिल्म की कहानी फिल्म के जो लीड किरदार है संदीप कृष्णन जो एक मेजर थे जो एक कैप्टन थे उनके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ जर्नी दिखाई हुई है तो ये एक फिल्म ओरिजिनल ड्रामा के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने फिल्म की कहानी का आइडिया आडवी सेस का था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है इसके अलावा स्क्रिप्टिंग का काम उन्होंने किया हुआ था तो स्टोरी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले के बाद जो डायलॉग्स थे वो अबूरी रवि ने तेलुगु वर्जन के लिखे हुए थे अक्षत अजय शर्मा ने हिंदी वर्जन के लिए और डरेक्शन किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने जिन्होंने इससे पहले आडवी सेस के साथ गुडाचार्य फिल्म में भी ब्लॉकबस्टर काम करके दिया हुआ है फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आठ विशेष देखने को मिलेंगे प्रकाश राज सोविता धूलिपाला साई मंजरेकर इसके अलावा रेवती मुरली शर्मा अनिस्कुरुविल्ला ग्रीष्मा पृथ्वी चाणक्य तेजस अभिनव सिंह राघव वीरा मुडमेता के विनीत चंद्र रोकी गोंडले और वरुण ज्ञानचंद्रन इतने लोग आपको इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुपरस्टार महेश बाबू ने नम्रता सिरोतकर जो उनके वाइफ है अनुराग रेड्डी और शरद चंद्रा ने तो ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 20 से 25 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ था पेन इंडिया लेवल के ऊपर देखे तो एक मीडियम लो बजट माना जाएगा अदरवाइज एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से देखें तो एक अच्छा खासा बजट जाएगा। फिल्म को हिंदी तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया हुआ है, जिस वजह से फिल्म के के एक सीन ऊपर डबल बार शूटिंग की गई है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी वामसी ने की हुई एडिटिंग की हुई विनय कुमार श्रिंगनिधि ने और कोडाती पवन कल्याण ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे उनतीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी करीबन ढाई घंटे के रन टाइम के साथ फिल्म को बनाया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पाकल्ला ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म को 25 करोड़ के बजट के साथ सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए प्लस एस मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे

उसके बाद में इस फिल्म के बायोपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया जहाँ पे स्टोरी के ऊपर डेवलपमेंट हुई बाद में फ़िक्स किया गया कि इस फिल्म को मेजर संदीप नाम दिया जाएगा लेकिन उसके बाद में फा, फा, फाइनली फिल्म को मेजर के नाम से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था इस फिल्म के लिए मेजर संदीप के पिता से जनवरी 2019 में बातचीत हुई थी उनके पेरेंट्स से जहां पे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के ऊपर बात की गई थी और उसके बाद में फिल्म का काम आगे किया गया था फिल्म को ऑफिशियली फरवरी 2020 में सॉरी 2019 में अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि आड विशेष इस, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे और सुपर महेश बाबू इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे कोलोबरेट करते हुए नजर आएंगे सोनी पिक्चर इंटरनेशनल प्रोडक्शन और ए प्लेस मूवीज़ ए प्लस एस मूवीज इसके अलावा मेजर फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट करने का फैसला लिया गया था उसके बाद में ये जो किरदार है संदीप सर जो प्रॉपर मेजर संदीप है वो प्रॉपरली मलयालम लैंग्वेज यानी कि केरला से बिलोंग करते जिस वजह से मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे फिल्म के तेलुगु कास्ट एंड क्रू के और हिंदी वर्जन के लिए दोनों के लिए अलग अलग कास्ट और क्रू को लिया गया था जहाँ पे जो हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज परफेक्टली बोल सके उनको कुछ और इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फरवरी 2020 में स्टार्ट की गई थी जहां पे मार्च 2020 तक फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा कोविड 19 की वजह से उसके बाद में सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई जहां पे उसी महीने में फिल्म की शूटिंग को करीबन 50 परसेंट तक कंप्लीट करवा लिया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को हैदराबाद में किया गया अक्टूबर दो में सोबिता दुल्लीपाला ने अपना पोस्टर नवंबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया अगस्त 2020 तक आदविशेष ने अपने पहले शेड्यूल के ऊपर प्रॉपर वे में काम किया जहां पे दिसंबर 2021 तक शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करवा लिया गया फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम है जो डबिंग का काम है हिंदी वर्जन के लिए वो उसके बाद काम स्टार्ट किया गया था मेजर फिल्म को करीबन टोटल 120 दिनों में शूट किया गया था जहाँ पे करीबन पिचत्तर लोकेशंस को चेंज किया हुआ था फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग अलग गानों को रिकम्पोज किया गया था गाने कंपोजिशन सेम थी क्रिएशन रिक्रिएट किया गया था दोनों वर्जन के लिए जहाँ पे चार गाने थे 2020 हजार 22 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था जिसको तेलुगु और हिंदी वर्जन में बनाया गया था जिसके राइट्स खरीदे हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था गानों को कंपोज किया गया था श्री सरन श्री चरण पकल्ला के द्वारा जहां पे 6 जून 2022 को जी म्यूजिक के द्वारा इस फिल्म को ऑडियो प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में तेलुगू और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म के जो टोटल चार गाने उसमें टाइटल ट्रैक सॉरी इस फिल्म के टोटल चार गाने जिसमें पहला गाना है जिसके लिरिक्स लिखे कृष्णा कांत ने रमेश कुमार ने सिंगत है सिद्ध श्री राम दूसरा गाना था ओ ईसा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राजीव भारद्वाज ने सिंगत है अरमान मलिक और चिन्मय तीसरा गाना था जनगणन मन जिसके लिरिक्स राजीव भारद्वाज ने लिखे हुए थे सिंगत थे तो टोबी चौथा गाना था कन्ना कन्ना जिसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा ये तेलुगु वर्जन के टाइटल थे वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए साथिया नाम से पहला गाना रिलीज किया गया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे रितेश राजवाडा राज ने सिंगर थे राजा जावेद अली दूसरा गाना ओ ईसा जिसको लिखा हुआ था पूजा जोशी ने सिंगर थे अरमन मलिक और चिन्मयी तीसरा गाना था जन मना उसके लिरिक्स यश ईश्वरी ने लिखे हुए थे सिंगर थे अमित मिश्रा चौथा गाना था मेरे लालना जिसके लिरिक्स रितेश राजवाड़ा ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा तो इस तरह से इन गानों को कंपोज किया गया था डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में सभी वर्जन के लिए गानों को अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था इसके अलावा अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी काफी सिंपल रखी गई थी जहां पे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के चाइल्डहुड से लेकर जो 26 सिक्स बाई इलेवन का मुंबई अटैक हुआ था वहाँ तक लाइव जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई हुई है जहाँ पे आरवि सेस का ने जिस तरह मेजर संदीप का रोल प्ले किया हुआ था साई मंजरेकर ने उनके वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था और आदवि का जो किरदार है संदीप उन कृष्णन वो अपने यूनिफॉर्म के लिए कितने फैसिनेटेड है अपने आर्मी के लिए वो कितने वो ज्वाइन होने के लिए कितने आतुर है और सिविलियन को बचाने के लिए ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन मुंबई अटैक में जो उन्होंने काम किया हुआ था वो सभी चीज़ों के ऊपर अपनी सेक्रीफाइस के ऊपर उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए कंट्री को एक प्राउड मोमेंट दिया हुआ था वो सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो उनके उनकी डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट को फिल्म में काफ़ी प्राउडली वे में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़िया रखी गई थी फिल्म को रो नेचुरल और रियल रखने की कोशिश की हुई थी इस फिल्म की कहानी के सॉरी इस फिल्म के प्लस पॉइंट के ऊपर बात करें तो फिल्म में काफी ज्यादा काफी सारे प्लस पॉइंट है जहाँ पे मुंबई से ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन के अटैक के ऊपर फिल्म के सीन को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे उसको काफ़ी बढ़िया इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म को सेट किया गया था फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले आदमी से इसने काफ़ी इमोशनल मैनर में लिखा हुआ है जहाँ पे जितने भी एक्शन फाइट सिक्वेंस देखने को मिलते जो भी चीज़ें देखने को मिलती है उसके पीछे के जो इमोशंस दिखाए हुए पेट्रोटिज्म दिखाया हुआ है उसको स्क्रीन प्ले में बढ़िया तरीके से डाला हुआ है सोल्जर की लाइफ को जिस तरह से पूरी तरह से परफेक्ट मैनर के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया था इसके अलावा फिल्म के परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो आदवी सेस अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करे थे मेजर के रोल में वो पूरी तरह से इस रोल को जिए हुए आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कि स्क्रीन पे आदवी सेस है या मेजर संदीप पूरी तरह से मेजर संदीप का किरदार उन्होंने जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाया हुआ है तो आप भूल जाओगे कि ये आदविशेष है स्कूल गोइंग बॉय से लेकर यंगर सोल्जर तक जिस तरह से उन्होंने एक प्रेम वॉरियर का रोल प्ले किया हुआ है वो काबिल तारीफ है जिस तरह से अपने किरदार में ट्रांजिशन उन्होंने दिखाए हुए हैं उसमें अलग अलग सेट दिखाए हुए वो आपको जरूर पसंद आएंगे फिल्म में काफ़ी मैसिव एक्शन ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से ट्रीट किया हुआ है वो सभी चीज़ें स्क्रीन में और बेहतर नज़र आ रही थी लुक वाइज आदवि सेस काफ़ी हैंडसम नजर आ रहे थे साय मंजरेकर को इस फिल्म में उतना कुछ खास किरदार नहीं मिला था हाँ वाइप का रोल था लेकिन उतना कुछ नहीं था कि वह कुछ अलग करके दिखा पाए लेकिन जितना भी उनको रोल मिला जितना भी स्कोप था उसमें वो अच्छा परफॉर्म ब्यूटीफुल बीटिफु, मैनर में डिलीवर कर रही थी उनका रोल काफ़ी मीठी था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से आदिविशेष के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो सुपअप थी प्रकाश राज रेवती इस फिल्म के लिए एक डेप्थ क्रिएट करती है खास करके इमोशनल एंगल में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस आता है वो फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट दे जाता है और वही चीज़ें फिल्म को जो इमोशंस है वो मजबूत करती है और फिल्म के एक्शन को और बेहतर बनाती है क्योंकि जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे की जो कहानी है जो पेट्रोटिज्म है जो इमोशन है वही फिल्म को बेहतर बनाता है और वो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी फिल्म का एंटायर सेकंड हाफ काफ़ी रेसी एक्शन के साथ दिखाया हुआ है काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो काफ़ी हाई ऑक्टेन के साथ दिखाए हुए हैं इसके अलावा फिल्म में एक्शन सीक्वेंस के साथ मिक्स पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग भी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई है शोिता दूली ने अपना रोल इतना बेहतरीन वे में डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से उनका वो कैरेक्टर फिल्म के क्लाइमेक्स को और बेहतर बनाता है इस फिल्म को काफ़ी स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया हुआ था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी चीजें पसंद नहीं आएगी वो स्क्रीन पे चल रही है तो आप जरूर देखना पसंद करोगे स्कूल डे के सीन को मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की लाइव को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से कहानी को स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने किया हुआ था तो पहले हाफ में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है पहले पंद्रह मिनट में काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो प्रिडिक्टेबल ज़रूर है स्लो थोड़े लगेंगे क्योंकि ये सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया होता है इसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले में आगे जाके वो सभी चीज़ों को बेहतर वे में यूज़ कर पाए स्क्रीन प्ले को लिखने की ये एक अलग टेक्निक थी जिसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था हस्बैंड वाइफ की जो इश्यू दिखाए हुए जितना ड्रामेटिक मैनर में दिखाया हुआ था वो ठीक था उसको ना दिखाते चलता मुंबई पुलिस को जिस तरह से की रोल था ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवेल में वो सभी चीज़ों को इस फिल्म में अच्छी तरह से अच्छे स्पेक के साथ दिखाया हुआ था इसके अलावा आदवी सेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम दिखाया हुआ है उन्होंने मेजर फिल्म में परफॉर्मेंसेस के साथ में स्टोरी डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपना योगदान भरपूर दिया हुआ है फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के सेट्स काफ़ी अच्छे थे फिल्म को ताज होटल को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो सभी चीजें टॉप नाउप देखने को मिलती है फिल्म की हर एक फ्रेम काफी बढ़िया तरीके से कैमरा मैन ने एनहेंस की हुई थी विजुअली फिल्म काफी अच्छी नजर आती है फिल्म को जिस तरह से फिल्म के थ्रिलिंग एक्शन मोमेंट को सॉलिड मैनर में हमारे सामने शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी अच्छी तरह से लिखे हुए फिल्म के लिरिक्स भी बढ़िया थे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पकल्ला ने बखू भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में आपको काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स भी फिल्म के अच्छे थे इस फिल्म के डायरेक्टर शशि किरण टिक्का ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है काफ़ी सारे सीन को इमोशन डिपार्टमेंट एक्शन डिपार्टमेंट ड्रा i'm uh uma... और साथ ही में पेट्रोटिज्म पेट्रोटिज्मी फीलिंग को अच्छी तरह से परफेक्ट कॉम्बो के साथ उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन वाला जो अटैक है उन्होंने क्लाइमेक्स में बेहतरीन परफेक्ट मैनर में हैंडल किया हुआ था जहाँ पे डिटेलिंग के साथ उन्होंने बढ़िया चीज़ों को दिखाया हुआ है इस फिल्म को काफ़ी इमोशनल हाई के साथ हैंड एंड किया हुआ था वो फिल्म का बेस्पार्ट था जिस तरह से वो सभी चीज़ें दिखाई हुई थी वो नेरेशन आपको जरूर पसंद आएगा आपको इमोशनल कर देगा और आपके अंदर पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग जरूर क्रिएट होगी ऑन एंड ऑल मेजर एक बढ़िया पेट्रोटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो परफेक्टली आपकी हाइप को लिव अप कर जाती है जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो उसको फुलफिल करने में बढ़िया तरीके से हेल्प करती है फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज देखने को मिलेंगे जो रो नेचुरल रियल नजर आ रहे थे इंडियरिंग ड्रामा देखने को मिलेगा सोलिडील्स देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस है वो भी काफी बढ़िया थे तो ये सभी चीजें फिल्म की बेसिक एसेट थी फिल्म का स्लो स्टार्ट आपको थोड़ा इग्नोर कर देंगे कर दोगे तो और बेहतर रहेगा इसके अलावा इस फिल्म में ने जिस तरह से लीड किया हुआ है वो फिल्म को और चार चाँद लगाता है उनका इमोशनल राइड आपको जरूर पसंद आएगा तो ओवरऑल संदीप उन्नी कृष्णन जी के ऊपर बनी ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी आपको मिस नहीं करनी चाहिए इस फिल्म को तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन में तीन सॉरी इस फिल्म को तेलुगु मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन में तीन जून दो को रिलीज किया गया था एक मिनट के रन टाइम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को आई एम डी बी पे करीबन बारह हज़ार अवार्ड मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग हासिल है दस में से तो काफी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहां पे सभी ने काफी बढ़िया काम किया हुआ था जिसकी बदौलत ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को और बेहतर वे में अच्छा रिस्पांस दिलवाने में कामयाब रहा था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते फिल्म और बेहतर वे में लोगों को पसंद आई थी और ये सभी असर आपको फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेगा क्योंकि पंद्रह बीस करोड़ के अंदर पच्चीस करोड़ के अंदर बनी फिल्म ने अपने प्री रिलीज में थिएट्रिकल बिजनेस किया था पंद्रह करोड़ में तो पंद्रह करोड़ के आसपास फिल्म को बेचा गया था जहाँ पे हिंदी रीजन और, और जहाँ पे हिंदी रीजन में फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था साथ ही में तेलुगु और मलयालम में भी तेलुगु में ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था ऑफकोर्स क्योंकि आद विशेष वहाँ से बिलोंग करते हिंदी में स्क्रीनस कम दी गई थी फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ दस लाख का ओपनिंग ओपनिंग डे का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहाँ पे फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटन शेयर कलेक्शन सात करोड़ बारह लाख का किया हुआ था और इस फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए जो फर्स्ट वीकेंड का नेट कलेक्शन था वो था करीबन चार करोड़ छाछ लाख का और करीबन साढ़े चार पाँच करोड़ के आसपास का हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था तो ओवरऑल फिल्म ने दस जून दो तक पचास करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और तेरह दिनों के बाद फिल्म ने करीबन साठ करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिल्म का जितना बजट था जितने प्राइस में बेचा गया था तो वो सभी चीज़ें शायद पहले तीन दिनों में ही क्रॉस हो गई थी और पहले एक दो दिन में तो ओवर सीज में इस फिल्म ने प्रॉफिटेबल कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और बाय द थर्ड वीकेंड फिल्म ने हिंदी वर्जन ने करीबन 12 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था तो मेजर जो दो की इंडियन बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको तेलुगू और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया है बारी बारी से इसके अलावा मलयालम लैंग्वेज में डॉप्ट किया गया है ये एक पेन इंडिया लेवल की फ़िल्म थी जहाँ पे फिल्म की कहानी फिल्म के जो लीड किरदार है संदीप कृष्णन जो एक मेजर थे जो एक कैप्टन थे उनके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ जर्नी दिखाई हुई है तो ये एक फिल्म ओरिजिनल ड्रामा के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने फिल्म की कहानी का आइडिया डी सेस का था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है इसके अलावा स्क्रिप्टिंग का काम उन्होंने किया हुआ था तो स्टोरी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले के बाद जो डायलॉग्स थे वो अबूरी रवि ने तेलुगु वर्जन के लिखे हुए थे अक्सर अजय शर्मा ने हिंदी वर्जन के लिए और डरेक्शन किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने जिन्होंने इससे पहले आडवी से इसके साथ गुडाचार्य फिल्म में भी ब्लॉकबस्टर काम करके दिया हुआ है फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आठ विशेष देखने को मिलेंगे प्रकाश राज शोभिता धूलिपाला साई मंजरेकर इसके अलावा रेवती मुरली शर्मा अनिस्कुरुविल्ला ग्रीष्मा पृथ्वी चाणक्य तेजस अभिनव सिंह राघव वीरा मुड केविन के विनीत चंद्र रोकी गोंडले और वरुण ज्ञानचंद्रन इतने लोग आपको इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुपरस्टार महेश बाबू ने नम्रता सिरोतकर जो उनके वाइफ है अनुराग रेड्डी और शरद चंद्रा ने तो ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 20 से 25 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ था पेन इंडिया लेवल के ऊपर देखे तो एक मीडियम लो बजट बना जाएगा अदरवाइज एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से देखे तो एक अच्छा खासा बजट माना जाएगा। फिल्म को हिंदी तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया हुआ है, जिस वजह से फिल्म के के एक सीन ऊपर डबल बार शूटिंग की गई है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी वामसी ने की हुई एडिटिंग की हुई विनय कुमार श्रिंगनिधि ने और कोडाती पवन कल्याण ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे उनतीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी करीबन ढाई घंटे के रन टाइम के साथ फिल्म को बनाया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पाकल्ला ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म को पच्चीस करोड़ के बजट के साथ सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल जी बाबू एंटरटेनमेंट और ए प्लस एस मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे

उसके बाद में इस फिल्म के बायोपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया जहाँ पे स्टोरी के ऊपर डेवलपमेंट हुई बाद में फ़िक्स किया गया कि इस फिल्म को मेजर संदीप नाम दिया जाएगा लेकिन उसके बाद में फा, फाइनली फिल्म को मेजर के नाम से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था इस फिल्म के लिए मेजर संदीप के पिता से जनवरी 2019 में बातचीत हुई थी उनके पेरेंट्स से जहां पे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के ऊपर बात की गई थी और उसके बाद में फिल्म का काम आगे किया गया था फिल्म को ऑफिशियली फरवरी 2020 में सॉरी 2019 में अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि आड विशेष इस, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे और सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे कोलोबरेट करते हुए नजर आएंगे सोनी पिक्चर इंटरनेशनल प्रोडक्शन और ए प्लेस मूवीज ए प्लस एस मूवीज इसके अलावा मेजर फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट करने का फैसला लिया गया था उसके बाद में ये जो किरदार है संदीप सर जो प्रॉपर मेजर संदीप है वो प्रॉपरली मलयालम लैंग्वेज यानी कि के केरला से बिलोंग करते जिस वजह से मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे फिल्म के तेलुगु कास्ट एंड क्रू के और हिंदी वर्जन के लिए दोनों के लिए अलग अलग कास्ट और क्रू को लिया गया था जहाँ पे जो हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज परफेक्टली बोल सके उनको कुछ और इम्पोर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फरवरी 2020 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मार्च 2020 तक फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा कोविड 19 की वजह से उसके बाद में सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई जहाँ पे उसी महीने में फिल्म की शूटिंग को करीबन 50 परसेंट तक कंप्लीट करवा लिया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को हैदराबाद में किया गया अक्टूबर 2020 में सोबिता दुल्लीपाला ने अपना पोर्सन नवंबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया अगस्त 2020 तक आदविशेष ने अपने पहले शेड्यूल के ऊपर प्रॉपर वे में काम किया जहां पे दिसंबर 2021 तक शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करवा लिया गया फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम है जो डबिंग का काम है हिंदी वर्जन के लिए वो उसके बाद काम स्टार्ट किया गया था मेजर फिल्म को करीबन टोटल 120 दिनों में शूट किया गया था जहाँ पर करीबन 75 लोकेशंस को चेंज किया हुआ था फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग अलग गानों को रिकम्पोज किया गया था गाने कंपोजिशन सेम थी क्रिएशन रिक्रिएट किया गया था दोनों वर्जन के लिए जहाँ पे चार गाने थे 2020 हज़ार बीस के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था जिसको तेलुगु और हिंदी वर्जन में बनाया गया था जिसके राइट्स खरीदे हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया, किया, किया हुआ था गानों को कंपोज किया गया था श्री सरन श्री चरण पकल्ला के द्वारा जहाँ पे 6 जून 2022 को जी म्यूज़िक के द्वारा इस फिल्म को ऑडियो प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म के जो टोटल चार गाने उसमें टाइटल ट्रैक सॉरी इस फिल्म के टोटल चार गाने जिसमें पहला गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने भी मह रमेश कुमार ने सिंगत थे सिद्ध श्री राम दूसरा गाना था ओ ईसा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राजीव भारद्वाज ने सिंगत थे अरमान मलिक और चिन्मय तीसरा गाना था जनगणन मन जिसके लिरिक्स राजीव भारद्वाज ने लिखे हुए थे सिंगत थे तोजान टोबी चौथा गाना था कन्ना कन्ना जिसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा ये तेलुगु वर्जन के टाइटल थे वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए साथिया नाम से पहला गाना रिलीज किया गया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे रितेश राजवाडा राज ने सिंगर थे राजा जावेद अली दूसरा गाना ओ ईसा जिसको लिखा हुआ था पूजा जोशी ने सिंगर थे अरमन मलिक और चिन्मयी तीसरा गाना था जन घना मना उसके लिरिक्स यश ईश्वरी ने लिखे हुए थे सिंगर थे अमित मिश्रा चौथा गाना था मेरे लालना जिसके लिरिक्स रितेश ने लिखे हुए थे थे सिंगर चित्रा तो इस तरह से इन गानों को कंपोज किया गया था डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में सभी वर्जन के लिए गानों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसके अलावा अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी काफी सिंपल रखी गई थी जहाँ पे मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के चाइल्डहुड से लेकर जो 26 सिक्स बाई इलेवन का मुंबई अटैक हुआ था वहाँ तक लाइव जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई हुई है जहाँ पे आरवि सेस का सेस ने जिस तरह मेजर संदीप का रोल प्ले किया हुआ था साई मंजरेकर ने उनके वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था और आदवि सेस का जो किरदार है संदीप उन कृष्णन वो अपने यूनिफॉर्म के लिए कितने फैसिनेटेड है अपने आर्मी के लिए वो कितने वो ज्वाइन होने के लिए कितने आतुर है और सिविलियन को बचाने के लिए ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन मुंबई अटैक में जो उन्होंने काम किया हुआ था वो सभी चीज़ों के ऊपर अपनी सेक्रीफाइस के ऊपर उन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए कंट्री को एक प्राउड मोमेंट दिया हुआ था वो सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो उनके उनकी डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट को फिल्म में काफ़ी प्राउडली वे में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़िया रखी गई थी फिल्म को रो नेचुरल और रियल रखने की कोशिश की हुई थी इस फिल्म की कहानी के सॉरी इस फिल्म के प्लस पॉइंट के ऊपर बात करें तो फिल्म में काफी ज्यादा काफी सारे प्लस पॉइंट है जहाँ पे मुंबई 26 सिक्स बाई इलेवन के अटैक के ऊपर फिल्म के सीन को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे उसको काफ़ी बढ़िया इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म को सेट किया गया था फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले आदवि से ने काफ़ी इमोशनल मैनर में लिखा हुआ है जहाँ पे जितने भी एक्शन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते जो भी चीज़ें देखने को मिलती है उसके पीछे के जो इमोशंस दिखाए हुए पेट्रोटिज्म दिखाया हुआ है उसको स्क्रीन प्ले में बढ़िया तरीके से डाला हुआ है सोल्जर की लाइफ को जिस तरह से पूरी तरह से परफेक्ट मैनर के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया था इसके अलावा फिल्म के परफॉर्मेंसिस के बारे में बात करें तो आदवी सेस अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करे थे मेजर के रोल में वो पूरी तरह से इस रोल को जिए हुए आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कि स्क्रीन पे आदवी सेस से है या मेजर संदीप पूरी तरह से मेजर संदीप का किरदार उन्होंने जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाया हुआ है तो आप भूल जाओगे कि ये आदविशेष है स्कूल गोइंग बॉय से लेकर यंगर सोल्जर तक जिस तरह से उन्होंने एक प्रेम वॉरियर का रोल प्ले किया हुआ है वो काबिल तारीफ है जिस तरह से अपने किरदार में ट्रांजिशन उन्होंने दिखाए हुए हैं उसमें अलग अलग सेट दिखाए हुए वो आपको जरूर पसंद आएंगे फिल्म में काफ़ी मैसिव एक्शन ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से ट्रीट किया हुआ है वो सभी चीज़ें स्क्रीन में और बेहतर नजर आ रही थी लुकवाइज आद विशेष काफ़ी हैंडसम नजर आ रहे थे साय मंजरेकर को इस फिल्म में उतना कुछ खास किरदार नहीं मिला था हाँ वाइप का रोल था लेकिन उतना कुछ नहीं था कि वो कुछ अलग करके दिखा पाए लेकिन जितना भी उनको रोल मिला जितना भी स्कोप था उसमें वो अच्छा परफॉर्म ब्यूटीफुल मैनर में डिलीवर कर रही थी उनका रोल काफ़ी मीठी था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से आज के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो सुपअप थी प्रकाश राज रेवती इस फिल्म के लिए एक डेप्थ क्रिएट करती है खास करके इमोशनल एंगल में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस आता है वो फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट दे जाता है और वही चीज़ें फिल्म को जो इमोशंस है वो मजबूत करती है और फिल्म के एक्शन को और बेहतर बनाती है क्योंकि जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे की जो कहानी है जो पेट्रोटिज्म है जो इमोशन है वही फिल्म को बेहतर बनाता है और वो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी फिल्म का एंटायर सेकंड हाफ काफ़ी रेसी एक्शन के साथ दिखाया हुआ है काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो काफ़ी हाई ऑक्टेन के साथ दिखाए हुए हैं इसके अलावा फिल्म में एक्शन सीक्वेंस के साथ मिक्स पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग भी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई है शोभिता दुली ने अपना रोल इतना बेहतरीन वे में डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से उनका वो कैरेक्टर फिल्म के क्लाइमेक्स को और बेहतर बनाता है इस फिल्म को काफ़ी स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया हुआ था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी चीजें पसंद नहीं आएगी वो स्क्रीन पे चल रही है तो आप जरूर देखना पसंद करोगे स्कूल डे के सीन को मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की लाइव को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से कहानी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने किया हुआ था तो पहले हाफ में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है पहले पंद्रह मिनट में काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो प्रिडिक्टेबल ज़रूर है स्लो थोड़े लगेंगे क्योंकि ये सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया होता है इसका मेन रीजन है स्क्रीन प्ले में आगे जाके वो सभी चीज़ों को बेहतर वे में यूज़ कर पाए स्क्रीन प्ले को लिखने की ये एक अलग टेक्निक थी जिसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था हस्बैंड वाइफ के जो इश्यू दिखाया हुआ है जितना ड्रामेटिक मैनर में दिखाया हुआ था वो ठीक था उसको ना दिखाते चलता मुंबई पुलिस को जिस तरह से की रोल था ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवल में वो सभी चीज़ों को इस फिल्म में अच्छी तरह से अच्छे स्पेक के साथ दिखाया हुआ था इसके अलावा आदवी सेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम दिखाया हुआ है उन्होंने मेजर फिल्म में परफॉर्मेंसेस के साथ में स्टोरी डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपना योगदान भरपूर दिया हुआ है फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के सेट्स काफ़ी अच्छे थे फिल्म को ताज होटल को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो सभी चीजें टॉप नॉप देखने को मिलती है फिल्म की हर एक फ्रेम काफी बढ़िया तरीके से कैमरा मैन ने एनहेंस की हुई थी विजुअली फिल्म काफी अच्छी नजर आती है फिल्म को जिस तरह से फिल्म के थ्रिलिंग एक्शन मूवमेंट को सॉलिड मैनर में हमारे सामने शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी अच्छी तरह से लिखे हुए फिल्म के लियिक्स भी बढ़िया थे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पकला ने बखू भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में आपको काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स भी फिल्म के अच्छे थे इस फिल्म के डायरेक्टर शशि किरण टिक्का ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है काफ़ी सारे सीन को इमोशन डिपार्टमेंट एक्शन डिपार्टमेंट ड्रा ama और साथ ही में पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग को अच्छी तरह से परफेक्ट कॉम्बो के साथ उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन वाला जो अटैक है उन्होंने क्लाइमेक्स में बेहतरीन परफेक्ट मैनर में हैंडल किया हुआ था जहाँ पे डिटेलिंग के साथ उन्होंने बढ़िया चीज़ों को दिखाया हुआ है इस फिल्म को काफ़ी इमोशनल हाई के साथ हैंड एंड किया हुआ था वो फिल्म का पेश पाट था जिस तरह से वो सभी चीज़ें दिखाई हुई थी वो नेरेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा आपको इमोशनल कर देगा और आपके अंदर पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग जरूर क्रिएट होगी ऑन एंड ऑल मेजर एक बढ़िया पेट्रोटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो परफेक्टली आपकी हाइप को लिव अप कर जाती है जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो उसको फुलफिल करने में बढ़िया तरीके से हेल्प करती है फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे जो रो नेचुरल रियल नजर आ रहे थे इंडियरिंग ड्रामा देखने को मिलेगा सोलिड हिल्स देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस है वो भी काफी बढ़िया थे तो ये सभी चीजें फिल्म की बेसिक एसेट थी फिल्म का स्लो स्टार्ट आपको थोड़ा इग्नोर कर देंगे कर दोगे तो और बेहतर रहेगा इसके अलावा इस फिल्म आदविशेष ने जिस तरह से लीड किया हुआ है वो फिल्म को और चार चांद लगाता है उनका इमोशनल राइड आपको जरूर पसंद आएगा तो ओवरऑल संदीप उन्नी कृष्णन जी के ऊपर बनी ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी आपको मिस नहीं करनी चाहिए इस फिल्म को तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन में तीन सॉरी इस फिल्म को तेलुगू मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन में तीन जून दो को रिलीज किया गया था एक मिनट के रन टाइम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को आई एम डी बी पे करीबन बारह हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग हासिल है दस में से तो काफी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहां पे सभी ने काफी बढ़िया काम किया हुआ था जिसकी बदौलत ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को और बेहतर वे में अच्छा रिस्पांस दिलवाने में कामयाब रहा था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते फिल्म और बेहतर वे में लोगों को पसंद आई थी और ये सभी असर आपको फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेगा क्योंकि पंद्रह बीस करोड़ के अंदर पच्चीस करोड़ के अंदर बनी फिल्म ने अपने प्री रिलीज़ में थिएट्रिकल बिजनेस किया था पंद्रह करोड़ में तो पंद्रह करोड़ के आसपास फिल्म को बेचा गया था जहाँ पे हिंदी रीजन और जहाँ पे हिंदी रीजन में फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था साथ ही में तेलुगु और मलयालम में भी तेलुगु में ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था ऑफकोर्स क्योंकि आज विशेष वहाँ से बिलोंग करते हिंदी में स्क्रीनस कम दी गई थी फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ दस लाख का ओपनिंग ओपनिंग डे का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहाँ पे फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटन शेयर कलेक्शन सात करोड़ बारह लाख का किया हुआ था और इस फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए जो फर्स्ट वीकेंड का नेट कलेक्शन था वो था करीबन चार करोड़ छाछठ लाख का और करीबन साढ़े चार पाँच करोड़ के आसपास का हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था तो ओवरऑल फिल्म ने दस जून दो तक पचास करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और तेरह दिनों के बाद फिल्म ने करीबन 60 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिल्म का जितना बजट था जितने प्राइस में बेचा गया था तो वो सभी चीज़ें शायद पहले तीन दिनों में ही क्रॉस हो गई थी और पहले एक दो दिन में तो और इस फिल्म ने प्रॉफिटेबल कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और बाय द थर्ड वीकेंड फिल्म ने हिंदी वर्जन ने करीबन बारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था तो सिर्फ हिंदी वर्जन ने कम से कम स्क्रीन के साथ बहुत कम स्क्रीन बहुत यानी बहुत कम स्क्रीन दी गई थी मेजर विक्रम सभी फिल्म एक साथ आई थी सभी फिल्मों को क्योंकि तब आई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के बेस्ड ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म भले वो फिल्म अच्छी थी, थी नहीं ना थी वो दूसरी बात है लेकिन उसको स्क्रीन ज़्यादा मिले होते जिसके चलते इस फिल्म को स्क्र... कम स्क्रीन मिलने के बावजूद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म तीन वीक तक चली हिंदी वर्जन में जहाँ पे बारह करोड़ के ऊपर का क्रॉस कलेक्शन किया और हिंदी वर्जन के साथ साथ दूसरे सभी वर्जन में सभी वर्जन में फिल्म ने एक बढ़िया प्रॉफिटेबल कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म को काफ़ी सराहना भी

विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाले हैं तो ये फिल्म वहाँ पे आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट राइट्स हिंदी वर्जन के लिए सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेजर फिल्म का तेलुगू मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन का टेलीविज़न राइट से वो खरीदा हुआ है सोनी मैक्स वालों ने तो टेलीविजन के ऊपर आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर फिल्म हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सेटेलाइट और ओ के ऊपर मेजर फिल्म इंजॉय कर पाओगे सभी अलग अलग वर्जन में बिल्कुल फ्री में मेजर जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्में जिसको तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया है बारी बारी से इसके अलावा मलयालम लैंग्वेज में डॉप्ट किया गया है ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म थी जहाँ पे फिल्म की कहानी फिल्म के जो लीड किरदार है संदीप कृष्णन जो एक मेजर थे जो एक कैप्टन थे उनके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ जर्नी दिखाई हुई है तो ये एक फिल्म ओरिजिनल ड्रामा के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने फिल्म की कहानी का आइडिया आडवी सेस का था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है इसके अलावा स्क्रिप्टिंग का काम उन्होंने किया हुआ था तो स्टोरी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले के बाद जो डायलॉग्स थे वो अबूरी रवि ने तेलुगु वर्जन के लिखे हुए थे अक्षत अजय शर्मा ने हिंदी वर्जन के लिए और डिरेक्शन किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने जिन्होंने इससे पहले आडवी सेस के साथ गुडाचार्य फिल्म में भी ब्लॉकबस्टर काम करके दिया हुआ है फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आठ विशेष देखने को मिलेंगे प्रकाश राज शोभिता धूलिपाला साई मंजरेकर इसके अलावा रेवती मुरली शर्मा अनिस्कुरुविल्ला ग्रीष्मा पृथ्वी चाणक्य तेजस अभिनव सिंह राघव वीरा मुडमेता के विनीत चंद्र रोकी गोंडले और वरुण ज्ञानचंद्रन इतने लोग आपको इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुपरस्टार महेश बाबू ने नम्रता सिरोतकर जो उनके वाइफ है अनुराग रेड्डी और शरद चंद्रा ने तो ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 20 से 25 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ था पेन इंडिया लेवल के ऊपर देखे तो एक मीडियम लो बजट माना जाएगा अदरवाइज एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से तो एक अच्छा खासा बजट माना जाएगा। फिल्म को हिंदी तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया हुआ है जिस वजह से फिल्म के एक सीन के ऊपर डबल बार शूटिंग की गई है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी वामसी ने की हुई है एडिटिंग की हुई विनय कुमार श्रिंगनिधि ने और कोडाती पवन कल्याण ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे उनतीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी करीबन ढाई घंटे के रन टाइम के साथ फिल्म को बनाया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पाकल्ला ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म को 25 करोड़ के बजट के साथ सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए प्लस एस मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे

उसके बाद में इस फिल्म के बायोपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया जहाँ पे स्टोरी के ऊपर डेवलपमेंट हुई बाद में फ़िक्स किया गया कि इस फिल्म को मेजर संदीप नाम दिया जाएगा लेकिन उसके बाद में फा, फाइनली फिल्म को मेजर के नाम से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था इस फिल्म के लिए मेजर संदीप के पिता से जनवरी 2019 में बातचीत हुई थी उनके पेरेंट्स से जहां पे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के ऊपर बात की गई थी और उसके बाद में फिल्म का काम आगे किया गया था फिल्म को ऑफिशियली फरवरी 2020 में सॉरी 2019 में अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि आड विशेष इस, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे और सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे कोलोबरेट करते हुए नजर आएंगे सोनी पिक्चर इंटरनेशनल प्रोडक्शन और ए प्लेस मूवीज ए प्लस एस मूवीज इसके अलावा मेजर फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट करने का फैसला लिया गया था उसके बाद में ये जो किरदार है संदीप सर जो प्रॉपर मेजर संदीप है वो प्रॉपरली मलयालम लैंग्वेज यानी कि के केरला से बिलोंग करते जिस वजह से मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे फिल्म के तेलुगु कास्ट एंड क्रू के और हिंदी वर्जन के लिए दोनों के लिए अलग अलग कास्ट और क्रू को लिया गया था जहाँ पे जो हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज परफेक्टली बोल सके उनको कुछ और इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी फरवरी 2020 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मार्च 2020 तक फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा कोविड 19 की वजह से उसके बाद में सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई जहाँ पे उसी महीने में फिल्म की शूटिंग को करीबन 50 परसेंट तक कंप्लीट करवा लिया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को हैदराबाद में किया गया अक्टूबर 2020 में सोबिता दुल्लीपाला ने अपना पोर्सन नवंबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया अगस्त 2020 तक आदविशेष ने अपने पहले शेड्यूल के ऊपर प्रॉपर वे में काम किया जहां पे दिसंबर 2021 तक शूटिंग को पूरी तरह से अप करवा लिया गया फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम है जो डबिंग का काम है हिंदी वर्जन के लिए वो उसके बाद काम स्टार्ट किया गया था मेजर फिल्म को करीबन टोटल 120 दिनों में शूट किया गया था जहाँ पर करीबन 75 लोकेशंस को चेंज किया हुआ था फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग अलग गानों को रिकम्पोज किया गया था गाने कम्पोजिशन सेम थी क्रिएशन रिक्रिएट किया गया था दोनों वर्जन के लिए जहाँ पे चार गाने थे 2020 हज़ार बीस हज़ार के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था जिसको तेलुगु और हिंदी वर्जन में बनाया गया था जिसके राइट्स खरीदे हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया, किया हुआ था गानों को कंपोज किया गया था श्री सरन श्री चरण पकल्ला के द्वारा जहाँ पे 6 जून 2022 को जी म्यूज़िक के द्वारा इस फिल्म को ऑडियो प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म के जो टोटल चार गाने हैं उसमें टाइटल ट्रैक सॉरी इस फिल्म के टोटल चार गाने हैं जिसमें पहला गाना है हृदयामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे कृष्णा कांत ने विनिवी महे रमेश कुमार ने सिंगत थे सिद्ध श्री राम दूसरा गाना था ओ ईसा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राजीव भारद्वाज ने सिंगत थे अरमान मलिक और चिन्मय तीसरा गाना था जनगणन मनज जिसके लिरिक्स राजीव भारद्वाज ने लिखे हुए थे सिंगर थे तो जान टोबी चौथा गाना था कन्ना कन्ना जिसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा ये तेलुगु वर्जन के टाइटल थे वहीं पर हिंदी वर्जन के लिए साथिया नाम से पहला गाना रिलीज किया गया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे रितेश राजवाडा ने सिंगर थे राजा जावेद अली दूसरा गाना ओ ईसा जिसको लिखा हुआ था पूजान जोशी ने सिंगर थे अरमन मलिक और चिन्मय तीसरा गाना था जन घना मना उसके लिरिक्स यश ईश्वरी ने लिखे हुए थे सिंगर थे अमित मिश्रा चौथा गाना था मेरे लालना जिसके लिरिक्स रितेश राजवाड़ा ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा तो इस तरह से इन गानों को कंपोज किया गया था डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में सभी वर्जन के लिए गानों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसके अलावा अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी काफी सिंपल रखी गई थी जहाँ पे मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के चाइल्डहुड से लेकर जो 26 सिक्स बाई इलेवन का मुंबई अटैक हुआ था वहाँ तक लाइव जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई हुई है जहाँ पे आरवि सेस का सेस ने जिस तरह मेजर संदीप का रोल प्ले किया हुआ था साई मंजरेकर ने उनकी वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था और आदवि सेस का जो किरदार है संदीप उन कृष्णन वो अपने यूनिफॉर्म के लिए कितने फैसिनेटेड है अपने आर्मी के लिए वो कितने वो ज्वाइन होने के लिए कितने आतुर है और सिविलियन को बचाने के लिए ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन मुंबई अटैक में जो उन्होंने काम किया हुआ था वो सभी चीज़ों के ऊपर अपनी सेक्रीफाइस के ऊपर उन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए कंट्री को एक प्राउड मोमेंट दिया हुआ था वो सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो उनके उनकी डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट को फिल्म में काफ़ी प्राउडली वे में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़िया रखी गई थी फिल्म को रो नेचुरल और रियल रखने की कोशिश की हुई थी इस फिल्म की कहानी के सॉरी इस फिल्म के प्लस पॉइंट के ऊपर बात करें तो फिल्म में काफी ज्यादा काफी सारे प्लस पॉइंट है जहाँ पे मुंबई से ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन के अटैक के ऊपर फिल्म के सीन को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे उसको काफी बढ़िया इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म को सेट किया गया था फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले आदवि से इसने काफी इमोशनल मैनर में लिखा हुआ है जहाँ पे जितने भी एक्शन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते जो भी चीजें देखने को मिलती है उसके पीछे के जो इमोशंस दिखाए हुए पेट्रोटिज्म दिखाया हुआ है उसको स्क्रीन प्ले में बढ़िया तरीके से डाला हुआ है सोल्जर के लाइफ को जिस तरह से पूरी तरह से परफेक्ट manner के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया था इसके अलावा फिल्म के परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो आद्वी से अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करे थे मेजर के रोल में वो पूरी तरह से इस रोल को जिए हुए आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कि स्क्रीन पे आद्वी से से या मेजर संदीप पूरी तरह से मेजर संदीप का किरदार उन्होंने जिस तरह से दिखाया हुआ है तो आप भूल जाओगे दिखाए हुए उसमें अलग अलग सेट दिखाए हुए वो आपको जरूर पसंद आएंगे फिल्म में काफी मैसिव एक्शन ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से ट्रीट किया हुआ है वो सभी चीजें स्क्रीन में और बेहतर नजर आ रही थी लुकवाइज आद विशेष काफी हैंडसम नजर आ रहे थे साय मंजरेकर को इस फिल्म में उतना कुछ खास किरदार नहीं मिला था हाँ वाइप का रोल था लेकिन उतना कुछ नहीं था कि वह कुछ अलग करके दिखा पाए लेकिन जितना भी उनको रोल मिला जितना भी स्कोप था उसमें वो अच्छा परफॉर्म ब्यूटीफुल बीटिफु, मैनर में डिलीवर कर रही थी उनका रोल काफ़ी मीठी था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से आज के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो सुपअप थी प्रकाश राज रेवती इस फिल्म के लिए एक डेप्थ क्रिएट करती है खास करके इमोशनल एंगल में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस आता है वो फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट दे जाता है और वही चीज़ें फिल्म को जो इमोशंस है वो मजबूत करती है और फिल्म के एक्शन को और बेहतर बनाती है क्योंकि जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे की जो कहानी है जो पेट्रोटिज्म है जो इमोशन है वही फिल्म को बेहतर बनाता है और वो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी फिल्म का एंटायर सेकंड हाफ काफ़ी रेसी एक्शन के साथ दिखाया हुआ है काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो काफ़ी हाई ऑक्टेन के साथ दिखाए हुए हैं इसके अलावा फिल्म में एक्शन सिक्वेंस के साथ मिक्स पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग भी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई है सोबिता धूली ने अपना रोल इतना बेहतरीन वे में डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से उनका वो कैरेक्टर फिल्म के क्लाइमेक्स को और बेहतर बनाता है। इस फिल्म को काफी स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो सभी चीजें पसंद नहीं जो स्क्रीन पे चल रही है तो आप जरूर देखना पसंद करोगे स्कूल डे के सीन को मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की लाइफ को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से कहानी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने किया हुआ था तो पहले हाफ़ में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है पहले पंद्रह मिनट में काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो प्रिडिक्टेबल ज़रूर है स्लो थोड़े लगेंगे क्योंकि ये सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया होता है इसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले में आगे जाके वो सभी चीज़ों को बेहतर वे में यूज़ कर पाए स्क्रीन प्ले को लिखने की ये एक अलग टेक्निक थी जिसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था हस्बैंड वाइफ की जो इश्यू दिखाया हुआ है जितना ड्रामेटिक मैनर में दिखाया हुआ था वो ठीक था उसको ना दिखाते चलता मुंबई पुलिस को जिस तरह से की रोल था ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवल में वो सभी चीज़ों को इस फिल्म में अच्छी तरह से अच्छे स्पेक के साथ दिखाया हुआ था इसके अलावा आदवी सेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम दिखाया हुआ है उन्होंने मेजर फिल्म में परफॉर्मेंसेस के साथ में स्टोरी डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपना योगदान भरपूर दिया हुआ है फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के सेट्स काफ़ी अच्छे थे फिल्म को ता, ताज ताज होटल को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें टॉप नॉप देखने को मिलती है फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से कैमरा मैन ने एनहेंस की हुई थी विजुअली फिल्म काफ़ी अच्छी नज़र आती है फिल्म को जिस तरह से फिल्म के थ्रिलिंग एक्शन मोमेंट को सॉलिड मैनर में हमारे सामने सोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी अच्छी तरह से लिखे हुए फिल्म के लिरिक्स भी बढ़िया थे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पकल्ला ने बखू भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में आपको काफ़ी बढ़िया नजर आएगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स भी फिल्म के अच्छे थे इस फिल्म के डायरेक्टर शशि किरण टिक्का ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है काफ़ी सारे सीन को इमोशन डिपार्टमेंट एक्शन डिपार्टमेंट ड्रामा और साथ ही में वाले फीलिंग को अच्छी तरह से परफेक्ट कॉम्बो के साथ उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन वाला जो अटैक है उन्होंने क्लाइमेक्स में बेहतरीन परफेक्ट मैनर में हैंडल किया हुआ था जहाँ पे डिटेलिंग के साथ उन्होंने बढ़िया चीज़ों को दिखाया हुआ है इस फिल्म को काफ़ी इमोशनल हाई के साथ हैंड एंड किया हुआ था वो फिल्म का बेस्ट पार्ट था जिस तरह से वो सभी चीज़ें दिखाई हुई थी वो नेरेशन आपको जरूर पसंद आएगा आपको इमोशनल कर देगा और आपके अंदर पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग्स जरूर क्रिएट होगी ऑन एंड होल मेजर एक बढ़िया पेट्रोटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो परफेक्टली आपकी हाइप को लिवअप कर जाती है जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो उसको फुलफिल करने में बढ़िया तरीके से हेल्प करती है फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे जो रो नेचुरल रियल नजर आ रहे थे इंडियरिंग ड्रामा देखने को मिलेगा सॉलिड सील्स देखने को मिलते एक्शन सीक्वेंस है वो भी काफी बढ़िया थे तो ये सभी चीजें फिल्म की बेसिक एसेट थी फिल्म का स्लो स्टार्ट आपको थोड़ा इग्नोर कर देंगे कर दोगे तो और बेहतर रहेगा इसके अलावा इस फिल्म आदि ने जिस तरह से लीड किया हुआ है वो फिल्म को और चार चांद लगा देता है उनका इमोशनल राइड आपको ज़रूर पसंद आएगा तो ओवरऑल संदीप उन्नी कृष्णन जी के ऊपर बनी ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी आपको मिस नहीं करनी चाहिए इस फिल्म को तेलुगू तमिल और हिंदी तीनों वर्जन में तीन सॉरी इस फिल्म को तेलुगू मलयालम और हिंदी तीनों वर्ज़न में तीन जून दो को रिलीज़ किया गया था एक मिनट के रन टाइम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को आई एम डी बी पे करीबन बारह हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग हासिल है दस में से तो काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे सभी ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ था जिसकी बदौलत ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को और बेहतर वे में अच्छा रिस्पांस दिलवाने में कामयाब रहा था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ये फिल्म और बेहतर वे में लोगों को पसंद आई थी और ये सभी असर आपको फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेगा क्योंकि पंद्रह बीस करोड़ के अंदर पच्चीस करोड़ के अंदर बनी फिल्म ने अपने प्री रिलीज़ में थिएट्रिकल बिजनेस किया था पंद्रह करोड़ में तो पंद्रह करोड़ के आसपास फिल्म को बेचा गया था जहाँ पे हिंदी रीजन और, और जहाँ पे हिंदी रीजन में फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था साथ ही में तेलुगु और मलयालम में भी तेलुगु में ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था ऑफकोर्स क्योंकि आदिशेष वहाँ से बिलोंग करते हिंदी में स्क्रीन्स कम दी गई थी फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ दस लाख का ओपनिंग ओपनिंग डे का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहाँ पे फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटन शेयर कलेक्शन सात करोड़ बारह लाख का किया हुआ था और इस फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए जो फर्स्ट वीकेंड का नेट कलेक्शन था वो था करीबन चार करोड़ छाछठ लाख का और तो करीबन साढ़े चार पाँच करोड़ के आसपास का हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था तो ओवरऑल फिल्म ने दस जून दो तक पचास करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और तेरह दिनों के बाद फिल्म ने करीबन साठ करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिल्म का जितना बजट था जितने प्राइस में बेचा गया था तो वो सभी चीज़ें शायद पहले तीन दिनों में ही क्रॉस हो गई थी और पहले एक दो दिन में तो और सीज में इस फिल्म ने प्रॉफिटेबल कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और बाय द थर्ड वीकेंड फिल्म ने हिंदी वर्जन ने करीबन बारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था तो सिर्फ हिंदी वर्जन ने कम से कम स्क्रीन के साथ बहुत कम स्क्रीन बहुत यानी बहुत कम स्क्रीन दी गई थी मेजर विक्रम सभी फिल्म एक साथ आई थी सभी फिल्मों को क्योंकि तब आई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के बेस्ड ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म भले वो फिल्म अच्छी थी, थी नहीं ना थी वो दूसरी बात है लेकिन उसको स्क्रीन ज़्यादा मिले होते जिसके चलते इस फिल्म को स्क्र... कम स्क्रीन मिलने के बावजूद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म तीन वीक तक चली हिंदी वर्जन में जहाँ पे बारह करोड़ के ऊपर का क्रॉस कलेक्शन किया और हिंदी वर्जन के साथ साथ दूसरे सभी वर्जन में सभी वर्जन में फिल्म ने एक बढ़िया प्रॉफिटेबल कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म को काफ़ी सराहना भी

विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाले हैं तो ये फिल्म वहाँ पे आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट राइट्स हिंदी वर्जन के लिए सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेजर फिल्म का तेलुगू मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन का टेलीविजन राइट से वो खरीदा हुआ है सोनी मैक्स वालों ने तो टेलीविजन के ऊपर आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर फिल्म हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी मेजर जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्में जिसको तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया है बारी बारी से इसके अलावा मलयालम लैंग्वेज में डॉप्ट किया गया है ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म थी जहाँ पे फ़िल्म की कहानी फिल्म के जो लीड किरदार है संदीप उन कृष्णन जो एक मेजर थे जो एक कैप्टन थे उनके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ जर्नी दिखाई हुई है तो ये एक फ़िल्म ओरिजिनल ड्रामा के ऊपर बेच दिए जहाँ पे फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने फिल्म की कहानी का आइडिया डी सेस का था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है इसके अलावा स्क्रिप्टिंग का काम उन्होंने किया हुआ था तो स्टोरी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले के बाद जो डायलॉग्स थे वो अबूरी रवि ने तेलुगु वर्जन के लिखे हुए थे अक्षत अजय शर्मा ने हिंदी वर्जन के लिए और डरेक्शन किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने जिन्होंने इससे पहले आडवी सेस के साथ गुडाचार्य फिल्म में भी ब्लॉकबस्टर काम करके दिया हुआ है फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आठ विशेष देखने को मिलेंगे प्रकाश राज शोभिता धूलिपाला साई मंजरेकर इसके अलावा रेवती मुरली शर्मा अनिस्कुरुविल्ला ग्रीष्मा पृथ्वी चाणक्य तेजस अभिनव सिंह राघव वीरा मुडमित्ता के विनीत चंद्र रोकी गोंडले और वरुण ज्ञानचंद्रन इतने लोग आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुपरस्टार महेश बाबू ने नम्रता सिरोतकर जो उनके वाइफ है अनुराग रेड्डी और शरद चंद्रा ने तो ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 20 से 25 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ था पेन इंडिया लेवल के ऊपर देखे तो एक मीडियम लो बजट माना जाएगा अदरवाइज एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से देखें तो एक अच्छा खासा बजट माना जाएगा। फिल्म को हिंदी दोनों लैंग्वेज में शूट किया हुआ है, जिस वजह से फिल्म के एक सीन के ऊपर डबल बार शूटिंग की गई है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी वामसी ने की हुई एडिटिंग की हुई विनय कुमार श्रिंगनिधि ने और कोडाती पवन कल्याण ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे उनतीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी करीबन ढाई घंटे के रन टाइम के साथ फिल्म को बनाया गया जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पाकल्ला ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म को 25 करोड़ के बजट के साथ सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए प्लस एस मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे

उसके बाद में इस फिल्म के बायोपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया जहाँ पे स्टोरी के ऊपर डेवलपमेंट हुई बाद में फ़िक्स किया गया कि इस फिल्म को मेजर संदीप नाम दिया जाएगा लेकिन उसके बाद में फा, फा, फाइनली फिल्म को मेजर के नाम से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था इस फिल्म के लिए मेजर संदीप के पिता से जनवरी 2019 में बातचीत हुई थी उनके पेरेंट्स से जहां पे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के ऊपर बात की गई थी और उसके बाद में फिल्म का काम आगे किया गया था फिल्म को ऑफिशियली फरवरी 2020 में सॉरी 2019 में अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि आड विशेष इस, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे और सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे कोलोबरेट करते हुए नजर आएंगे सोनी पिक्चर इंटरनेशनल प्रोडक्शन और ए प्लेस मूवीज ए प्लस एस मूवीज इसके अलावा मेजर फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट करने का फैसला लिया गया था उसके बाद में ये जो किरदार है संदीप सर जो प्रॉपर मेजर संदीप है वो प्रॉपरली मलयालम लैंग्वेज यानी कि के केरला से बिलोंग करते जिस वजह से मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे फिल्म के तेलुगु कास्ट एंड क्रू के और हिंदी वर्जन के लिए दोनों के लिए अलग अलग कास्ट और क्रू को लिया गया था जहाँ पे जो हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज परफेक्टली बोल सके उनको कुछ और इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी फरवरी 2020 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मार्च 2020 तक फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा कोविड 19 की वजह से उसके बाद में सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई जहाँ पे उसी महीने में फिल्म की शूटिंग को करीबन 50 परसेंट तक कंप्लीट करवा लिया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को हैदराबाद में किया गया अक्टूबर 2020 में सोबिता दुल्लीपाला ने अपना पोस्टर नवंबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया अगस्त 2020 तक आदविशेष ने अपने पहले शेड्यूल के ऊपर प्रॉपर वे में काम किया जहां पे दिसंबर 2021 तक शूटिंग को पूरी तरह से अप करवा लिया गया फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम है जो डबिंग का काम है हिंदी वर्जन के लिए वो उसके बाद काम स्टार्ट किया गया था मेजर फिल्म को करीबन टोटल 120 दिनों में शूट किया गया था जहाँ पर करीबन पिचहत्तर लोकेशंस को चेंज किया हुआ था फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग अलग गानों को रिकम्पोज किया गया था गाने कम्पोजिशन सेम थी क्रिएशन रिक्रिएट किया गया था दोनों वर्जन के लिए जहाँ पे चार गाने थे 2020 हज़ार बीस हज़ार के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था जिसको तेलुगु और हिंदी वर्जन में बनाया गया था जिसके राइट्स खरीदे हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था गानों को कंपोज किया गया था श्री सरन श्री चरण पकल्ला के द्वारा जहाँ पे छः जून दो को जी म्यूज़िक के द्वारा इस फिल्म को ऑडियो प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म के जो टोटल चार गाने हैं उसमें टाइटल ट्रैक सॉरी इस फिल्म के टोटल चार गाने हैं जिसमें पहला गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने रमेश कुमार ने सिंगत थे सिद्ध श्री राम दूसरा गाना था ओ ईसा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राजीव भारद्वाज ने सिंगत थे अरमान मलिक और चिन्मय तीसरा गाना था जनगणन मन जिसके लिरिक्स राजीव भारद्वाज ने लिखे हुए थे सिंगत थे तोजान टोबी तो चौथा गाना था कन्ना कन्ना जिसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा ये तेलुगु वर्जन के टाइटल थे वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए साथिया नाम से पहला गाना रिलीज किया गया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे रितेश राजवाडा राज ने सिंगर थे राजा जावेद अली दूसरा गाना ओ ईसा जिसको लिखा हुआ था पूजा जोशी ने सिंगर थे अरमन मलिक और चिन्मयी तीसरा गाना था जन घना मना उसके लिरिक्स यश ईश्वरी ने लिखे हुए थे सिंगर थे अमित मिश्रा चौथा गाना था मेरे लालना जिसके लिरिक्स रितेश सराजवाड़ा ने लिखे हुए थे सिंगर थे के इस चित्रा तो इस तरह से इन गानों को कंपोज किया गया था डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में सभी वर्जन के लिए गानों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसके अलावा अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी काफी सिंपल रखी गई थी जहाँ पे मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के चाइल्डहुड से लेकर जो 26 सिक्स बाई इलेवन का मुंबई अटैक हुआ था वहाँ तक लाइव जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई हुई है जहाँ पे आदवि सेस का ने जिस तरह मेजर संदीप का रोल प्ले किया हुआ था साई मंजरेकर ने उनके वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था और आदवि का जो किरदार है संदीप उन्नी कृष्णन वो अपने यूनिफॉर्म के लिए कितने फैसिनेटेड है अपने आर्मी के लिए वो कितने वो ज्वाइन होने के लिए कितने आतुर है और सिविलियन को बचाने के लिए ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन मुंबई अटैक में जो उन्होंने काम किया हुआ था वो सभी चीज़ों के ऊपर अपनी सेक्रीफाइस के ऊपर उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए कंट्री को एक प्राउड मोमेंट दिया हुआ था वो सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो उनके उनकी डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट को फिल्म में काफ़ी प्राउडली वे में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़िया रखी गई थी फिल्म को रो नेचुरल और रियल रखने की कोशिश की हुई थी इस फिल्म की कहानी के सॉरी इस फिल्म के प्लस पॉइंट के ऊपर बात करें तो फिल्म में काफी ज्यादा काफी सारे प्लस पॉइंट है जहाँ पे मुंबई 26 ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन के अटैक के ऊपर फिल्म के सीन को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे उसको काफ़ी बढ़िया इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म को सेट किया गया था फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले आदवी से काफ़ी इमोशनल मैनर में लिखा हुआ है जहाँ पे जितने भी एक्शन फाइट सिक्वेंस देखने को मिलते जो भी चीज़ें देखने को मिलती है उसके पीछे के जो इमोशंस दिखाए हुए पेट्रोटिज्म दिखाया हुआ है उसको स्क्रीन प्ले में बढ़िया तरीके से डाला हुआ है सोल्जर की लाइफ को जिस तरह से पूरी तरह से परफेक्ट मैनर के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया था इसके अलावा फिल्म के परफॉर्मेंसिस के बारे में बात करें तो आदवी सेस अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करे थे मेजर के रोल में वो पूरी तरह से इस रोल को जिए हुए आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कि स्क्रीन पे आदवी सेस है या मेजर संदीप पूरी तरह से मेजर संदीप का किरदार उन्होंने जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाया हुआ है तो आप भूल जाओगे कि ये आदविशेष है स्कूल गोइंग बॉय से लेकर यंगर सोल्जर तक जिस तरह से उन्होंने एक प्रेम वॉरियर का रोल प्ले किया हुआ है वो काबिल तारीफ है जिस तरह से अपने किरदार में ट्रांजिशन उन्होंने दिखाए हुए हैं उसमें अलग अलग सेट दिखाए हुए हैं वो आपको जरूर पसंद आएंगे फिल्म में काफ़ी मैसिव एक्शन ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से ट्रीट किया हुआ है वो सभी चीज़ें स्क्रीन में और बेहतर नजर आ रही थी लुक वाइज आदविशेष काफ़ी हैंडसम नजर आ रहे थे साय मंजरेकर को इस फिल्म में उतना कुछ खास किरदार नहीं मिला था हाँ वाइप का रोल था लेकिन उतना कुछ नहीं था कि वो कुछ अलग करके दिखा पाए लेकिन जितना भी उनको रोल मिला जितना भी स्कोप था उसमें वो अच्छा परफॉर्म ब्यूटीफुल मैनर में डिलीवर कर रही थी उनका रोल काफ़ी मीठी था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से आज के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो सुपअप थी प्रकाश राज रेवती इस फिल्म के लिए एक डेप्थ क्रिएट करती है खास करके इमोशनल एंगल में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस आता है वो फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट दे जाता है और वही चीज़ें फिल्म को जो इमोशंस है वो मजबूत करती है और फिल्म के एक्शन को और बेहतर बनाती है क्योंकि जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे की जो कहानी है जो पेट्रोटिजम है जो इमोशन है वही फिल्म को बेहतर बनाता है और वो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी फिल्म का एंटायर सेकंड आप काफ़ी रेसी एक्शन के साथ दिखाया हुआ है काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो काफ़ी हाई ऑक्टेन के साथ दिखाए हुए इसके अलावा फिल्म में एक्शन सिक्वेंस के साथ मिक्स पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग भी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई है सोविता दुलीपाला ने अपना रोल इतना बेहतरीन वे में डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से उनका वो कैरेक्टर फिल्म के क्लाइमेक्स को और बेहतर बनाता है इस फिल्म को काफ़ी स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया हुआ था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी चीजें पसंद नहीं आएगी वो स्क्रीन पे चल रही है तो आप जरूर देखना पसंद करोगे स्कूल डे के सीन को मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की लाइफ को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से कहानी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने किया हुआ था तो पहले हाफ में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है पहले पंद्रह मिनट में काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो प्रिडिक्टेबल ज़रूर है स्लो थोड़े लगेंगे क्योंकि ये सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया होता है इसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले में आगे जाके वो सभी चीज़ों को बेहतर वे में यूज़ कर पाए स्क्रीन प्ले को लिखने की ये एक अलग टेक्निक थी जिसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था हस्बैंड वाइफ की जो इश्यू दिखाया हुआ है जितना ड्रामेटिक मैनर में दिखाया हुआ था वो ठीक था उसको ना दिखाते चलता मुंबई पुलिस को जिस तरह से की रोल था ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवल में वो सभी चीज़ों को इस फिल्म में अच्छी तरह से अच्छे स्पेक के साथ दिखाया हुआ था इसके अलावा आदवी सेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम दिखाया हुआ है उन्होंने मेजर फिल्म में परफॉर्मेंसेस के साथ में स्टोरी डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपना योगदान भरपूर दिया हुआ है फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के सेट्स काफ़ी अच्छे थे फिल्म को ताज ताज होटल को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो सभी चीजें टॉप नॉप देखने को मिलती है फिल्म की हर एक फ्रेम काफी बढ़िया तरीके से कैमरा मैन ने एनहेंस की हुई थी विजुअली फिल्म काफी अच्छी नजर आती है फिल्म को जिस तरह से फिल्म के थ्रिलिंग एक्शन मोमेंट को सॉलिड मैनर में हमारे सामने शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी अच्छी तरह से लिखे हुए फिल्म के लिरिक्स भी बढ़िया थे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पकल्ला ने बखो भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में आपको काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स भी फिल्म के अच्छे थे इस फिल्म के डायरेक्टर शशि किरण टिक्का ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है काफ़ी सारे सीन को इमोशन डिपार्टमेंट एक्शन डिपार्टमेंट ड्रामी 那么。 और साथ ही में पेट्रोटिज्म वाले फीलिंग को अच्छी तरह से परफेक्ट कॉम्बो के साथ उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन वाला जो अटैक है उन्होंने क्लाइमेक्स में बेहतरीन परफेक्ट मैनर में हैंडल किया हुआ था जहाँ पे डिटेलिंग के साथ उन्होंने बढ़िया चीज़ों को दिखाया हुआ है इस फिल्म को काफ़ी इमोशनल हाई के साथ हैंड एंड किया हुआ था वो फिल्म का बेस्पाट था जिस तरह से वो सभी चीज़ें दिखाई हुई थी वो नेरेशन आपको जरूर पसंद आएगा आपको इमोशनल कर देगा और आपके अंदर पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग जरूर क्रिएट होगी ऑन एंड होल मेजर एक बढ़िया पेट्रोटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो परफेक्टली आपके हाइप को लिव अप कर जाती है जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो उसको फुलफिल करने में बढ़िया तरीके से हेल्प करती है फिल्म में काफी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे जो रो नेचुरल रियल नजर आ रहे थे इंडियनिंग ड्रामा देखने को मिलेगा सोलिडील्स देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस है वो भी काफी बढ़िया थे तो ये सभी चीजें फिल्म की बेसिक एसेट थी फिल्म का स्लो स्टार्ट आपको थोड़ा इग्नोर कर देंगे कर दोगे तो और बेहतर रहेगा इसके अलावा इस फिल्म आदविशेष ने जिस तरह से लीड किया हुआ है वो फिल्म को और चार चांद लगाता है उनका इमोशनल राइड आपको जरूर पसंद आएगा तो ओवरऑल संदीप उन्नी कृष्णन जी के ऊपर बनी ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी आपको मिस नहीं करनी चाहिए इस फिल्म को तेलुगु तमिल और हिंदी तीनों वर्जन में तीन सॉरी इस फिल्म को तेलुगु मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन में तीन जून दो को रिलीज किया गया था एक मिनट के रन टाइम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को आई एम डी बी पे करीबन बारह हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग हासिल है दस में से तो काफी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहां पे सभी ने काफी बढ़िया काम किया हुआ था जिसकी बदौलत ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को और बेहतर वे में अच्छा रिस्पांस दिलवाने में कामयाब रहा था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते फिल्म और बेहतर वे में लोगों को पसंद आई थी और ये सभी असर आपको फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेगा क्योंकि पंद्रह बीस करोड़ के अंदर पच्चीस करोड़ के अंदर बनी फिल्म ने अपने प्री रिलीज में थिएट्रिकल बिजनेस किया था पंद्रह करोड़ में तो पंद्रह करोड़ के आसपास फिल्म को बेचा गया था जहाँ पे हिंदी रीजन और जहाँ पे हिंदी रीजन में फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था साथ ही में तेलुगु और मलयालम में भी तेलुगु में ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था ऑफकोर्स क्योंकि आज विशेष वहाँ से बिलोंग करते हिंदी में स्क्रीनस कम दी गई थी फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ दस लाख का ओपनिंग ओपनिंग डे का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहाँ पे फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन सात करोड़ बारह लाख का किया हुआ था और इस फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए जो फर्स्ट वीकेंड का नेट कलेक्शन था वो था करीबन चार करोड़ छाछ लाख का तो करीबन साढ़े चार पाँच करोड़ के आसपास का हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था तो ओवरऑल फिल्म ने दस जून दो तक पचास करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और तेरह दिनों के बाद फिल्म ने करीबन साठ करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिल्म का जितना बजट था जितने प्राइस में बेचा गया था तो वो सभी चीज़ें शायद पहले तीन दिनों में ही क्रॉस हो गई थी और पहले एक दो दिन में तो और इस फिल्म ने प्रॉफिटेबल कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और बाय द थर्ड वीकेंड फिल्म ने हिंदी वर्जन ने करीबन बारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था तो सिर्फ हिंदी वर्जन ने कम से कम स्क्रीन के साथ बहुत कम स्क्रीन बहुत यानी बहुत कम स्क्रीन दी गई थी मेजर विक्रम सभी फिल्म एक साथ आई थी सभी फिल्मों को क्योंकि तब आई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के बेस्ड ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म भले वो फिल्म अच्छी थी नहीं ना थी वो दूसरी बात है लेकिन उसको स्क्रीन ज़्यादा मिले हुए थे जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रेंग, कम स्क्रीन मिलने के बावजूद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म तीन वीक तक चली हिंदी वर्जन में जहाँ पे बारह करोड़ के ऊपर का क्रॉस कलेक्शन किया और हिंदी वर्जन के साथ साथ दूसरे सभी वर्जन में सभी वर्जन में फिल्म ने एक बढ़िया प्रॉफिटेबल कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म को काफ़ी सराहना भी मिली थी अब हम बात करें इस फिल्म को कहाँ पे ओ के ऊपर कहाँ पे सेटेलाइट के ऊपर आप ये देख सकते हो तो फिल्म के ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम में इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए सभी वर्जन के लिए तेलुगु मलयालम और हिंदी जहाँ पे तेलुगु और हिंदी है वो मेन वर्जन है मलयालम डब्ड वर्जन है तो ये सभी वर्ज़न आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेंगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिलने वाले तो ये फिल्म वहाँ पे आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट राइट्स हिंदी वर्जन के लिए सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको टेलीविज़न पर सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेजर फिल्म का तेलुगू मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन का टेलीविज़न राइट से वो खरीदा हुआ है सोनी मैक्स वालों ने तो टेलीविजन के ऊपर आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर फिल्म हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सेटेलाइट और ओ के ऊपर मेजर फिल्म इंजॉय कर पाओगे सभी अलग अलग वर्जन में बिल्कुल फ्री में मेजर जो 2022 की इंडियन बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्में जिसको तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया है बारी बारी से इसके अलावा मलयालम लैंग्वेज में अडाप्ट किया गया है ये एक पेन इंडिया लेवल की फ़िल्म थी जहाँ पे फिल्म की कहानी फिल्म के जो लीड किरदार है संदीप कृष्णन जो एक मेजर थे जो एक कैप्टन थे उनके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ जर्नी दिखाई हुई है तो ये फिल्म ओरिजिनल ड्रामा के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशि किरण टिक्का ने फिल्म की कहानी का आइडिया आर डी विशेष का था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है इसके अलावा स्क्रिप्टिंग का काम उन्होंने किया हुआ था तो स्टोरी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले के बाद जो डायलॉग्स थे वो अबूरी रवि ने तेलुगु वर्जन के लिखे हुए थे अक्सर अजय शर्मा ने हिंदी वर्जन के लिए और डरेक्शन किया हुआ शशि किरण टिक्का ने जिन्होंने इससे पहले आडविशेष के साथ गुडाचार्य फिल्म में भी ब्लॉकबस्टर काम करके दिया हुआ है फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आड देखने को मिलेंगे प्रकाश राज राजभिता धूलिपाला साई मंजरेकर इसके अलावा रेवती मुरली शर्मा अनिस्कुरुविल्ला ग्रीष्मा पृथ्वी चाणक्य तेजस अभिनव सिंह राघव वीरा मुडमित्ता के विनीत चंद्र रोकी गोंडले और वरुण ज्ञानचंद्रन इतने लोग आपको इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुपरस्टार महेश बाबू ने नम्रता सिरोतकर जो उनके वाइफ है अनुराग रेड्डी और शरद चंद्रा ने तो ये चार प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 20 से 25 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ था पेन इंडिया लेवल के ऊपर देखे तो एक मीडियम लो बजट माना जाएगा अदरवाइज एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से देखें तो एक अच्छा खासा बजट माना जाएगा फिल्म को हिंदी तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया हुआ है जिस वजह से फिल्म के एक सीन के ऊपर डबल बार शूटिंग की गई है इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी वामसी ने की हुई एडिटिंग की हुई विनय कुमार श्रिंगनिधि ने और कोडाती पवन कल्याण ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे उनतीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी करीबन ढाई घंटे के रन टाइम के साथ फिल्म को बनाया गया जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पाकल्ला ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म को 25 करोड़ के बजट के साथ सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए प्लस एस मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे

उसके बाद में इस फिल्म के बायोपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया जहाँ पे स्टोरी के ऊपर डेवलपमेंट हुई बाद में फ़िक्स किया गया कि इस फिल्म को मेजर संदीप नाम दिया जाएगा लेकिन उसके बाद में फाइनली फिल्म को मेजर के नाम से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था इस फिल्म के लिए मेजर संदीप के पिता से जनवरी 2019 में बातचीत हुई थी उनके पेरेंट्स से जहां पे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के ऊपर बात की गई थी और उसके बाद में फिल्म का काम आगे किया गया था फिल्म को ऑफिशियली फरवरी 2020 में सॉरी 2019 में अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि आड विशेष इस, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे और सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे कोलोबरेट करते हुए नजर आएंगे सोनी पिक्चर इंटरनेशनल प्रोडक्शन और ए प्लेस मूवीज़ ए प्लस एस मूवीज़ इसके अलावा मेजर फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट करने का फैसला लिया गया था उसके बाद में ये जो किरदार है संदीप सर जो प्रॉपर मेजर संदीप है वो प्रॉपरली मलयालम लैंग्वेज यानी कि के केरला से बिलोंग करते जिस वजह से मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे फिल्म के तेलुगु कास्ट एंड क्रू के और हिंदी वर्जन के लिए दोनों के लिए अलग अलग कास्ट और क्रू को लिया गया था जहाँ पे जो हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज परफेक्टली बोल सके उनको कुछ और इम्पोर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी फरवरी 2020 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मार्च 2020 तक फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा कोविड 19 की वजह से उसके बाद में सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई जहाँ पे उसी महीने में फिल्म की शूटिंग को करीबन 50 परसेंट तक कंप्लीट करवा लिया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को हैदराबाद में किया गया अक्टूबर 2020 में सोबिता दुल्लीपाला ने अपना पोस्ट नवंबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया अगस्त 2020 तक आदविशेष ने अपने पहले शेड्यूल के ऊपर प्रॉपर वे में काम किया जहां पे दिसंबर 2021 तक शूटिंग को पूरी तरह से रेपअप करवा लिया गया फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम है जो डबिंग का काम है हिंदी वर्जन के लिए वो उसके बाद काम स्टार्ट किया गया था मेजर फिल्म को करीबन टोटल 120 दिनों में शूट किया गया था जहाँ पर करीबन पिचहत्तर लोकेशंस को चेंज किया हुआ था फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग अलग गानों को रिकम्पोज किया गया था गाने कंपोजिशन सेम थी क्रिएशन रिक्रिएट किया गया था दोनों वर्जन के लिए जहाँ पे चार गाने थे 2020 हज़ार बीस के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था जिसको तेलुगु और हिंदी वर्जन में बनाया गया था जिसके राइट्स खरीदे हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था गानों को कंपोज किया गया था श्री सरन श्री चरण पकल्ला के द्वारा जहाँ पे छः जून दो को जी म्यूज़िक के द्वारा इस फिल्म को ऑडियो प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म के जो टोटल चार गाने उसमें टाइटल ट्रैक सॉरी इस फिल्म के टोटल चार गाने जिसमें पहला गाना है हृदयामा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे कृष्णा कांत ने विनिवी महे रमेश कुमार ने सिंगर थे सिद्ध श्री राम दूसरा गाना था ओ ईसा जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राजीव भारद्वाज ने सिंगत थे अरमान मलिक और चिन्मयी तीसरा गाना था जनगणना मनज जिसके लिरिक्स राजीव भारद्वाज ने लिखे हुए थे सिंगर थे तो जान टोबी चौथा गाना था कन्ना कन्ना जिसके लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा ये तेलुगु वर्जन के टाइटल थे वहीं पर हिंदी वर्जन के लिए साथिया नाम से पहला गाना रिलीज किया गया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे रितेश राजवाडा ने सिंगर थे राजा जावेद अली दूसरा गाना ओ ईसा जिसको लिखा हुआ था पूजान जोशी ने सिंगर थे अरमन मलिक और चिन्मय तीसरा गाना था जन घना मना उसके लिरिक्स यश ईश्वरी ने लिखे हुए थे सिंगर थे अमित मिश्रा चौथा गाना था मेरे लालना जिसके लिरिक्स रितेश राज ने लिखे हुए थे सिंगर थे के एस चित्रा तो इस तरह से इन गानों को कंपोज किया गया था डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में सभी वर्जन के लिए गानों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसके अलावा अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी काफी सिंपल रखी गई थी जहाँ पे मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के चाइल्डहुड से लेकर जो 26 सिक्स बाई इलेवन का मुंबई अटैक हुआ था वहाँ तक लाइव जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई हुई है जहाँ पे आरवि सेस का ने जिस तरह मेजर संदीप का रोल प्ले किया हुआ था साई मंजरेकर ने उनके वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था और आदवि का जो किरदार है संदीप उन्नी कृष्णन वो अपने यूनिफॉर्म के लिए कितने फैसिनेटेड है अपने आर्मी के लिए वो कितने वो ज्वाइन होने के लिए कितने आतुर है और सिविलियन को बचाने के लिए ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन मुंबई अटैक में जो उन्होंने काम किया हुआ था वो सभी चीज़ों के ऊपर अपनी सेक्रीफाइस के ऊपर उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए कंट्री को एक प्राउड मोमेंट दिया हुआ था वो सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो उनके उनकी डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट को फिल्म में काफ़ी प्राउडली वे में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़िया रखी गई थी फिल्म को रो नेचुरल और रियल रखने की कोशिश की हुई थी इस फिल्म की कहानी के सॉरी इस फिल्म के प्लस पॉइंट के ऊपर बात करें तो फिल्म में काफी ज्यादा काफी सारे प्लस पॉइंट है जहाँ पे मुंबई से ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन के अटैक के ऊपर फिल्म के सीन को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे उसको काफी बढ़िया इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म को सेट किया गया था फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले आदवि ने काफी इमोशनल मैनर में लिखा हुआ है जहाँ पे जितने भी एक्शन फा, फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते जो भी चीजें देखने को मिलती है उसके पीछे के जो इमोशंस दिखाए हुए पेट्रोटिज्म दिखाया हुआ है उसको स्क्रीन प्ले में बढ़िया तरीके से डाला हुआ है सोल्जर टीचर की लाइफ को जिस तरह से पूरी तरह से परफेक्ट मैनर के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया था इसके अलावा फिल्म के परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो आदवी से अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे थे मेजर के रोल में वो पूरी तरह से इस रोल को जिए हुए आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा कि स्क्रीन पे आदवी से या मेजर संदीप पूरी तरह से मेजर संदीप का किरदार उन्होंने जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाया हुआ है तो आप भूल जाओगे कि ये आदविशेष से है से। स्कूल गोइंग बॉय से लेकर यंगर सोल्जर तक जिस तरह से उन्होंने एक प्रेम वॉरियर का रोल प्ले किया हुआ है वो काबिल तारीफ है जिस तरह से अपने किरदार में ट्रांजिशन उन्होंने दिखाए हुए हैं उसमें अलग अलग सेट दिखाए हुए हैं वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे फिल्म में काफ़ी मैसिव एक्शन ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से ट्रीट किया हुआ है वो सभी चीज़ें स्क्रीन में और बेहतर नजर आ रही थी लुकवाइज आद विशेष काफी हैंडसम नजर आ रहे थे साय मंजरेकर को इस फिल्म में उतना कुछ खास किरदार नहीं मिला था हाँ वाइप का रोल था लेकिन उतना कुछ नहीं था कि वो कुछ अलग करके दिखा पाए लेकिन जितना भी उनको रोल मिला जितना भी स्कोप था उसमें वो अच्छा परफॉर्म ब्यूटीफुल मैनर में डिलीवर कर रही थी उनका रोल काफ़ी मीठी था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से आज के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो सुपअप थी प्रकाश राज रेवती इस फिल्म के लिए एक डेप्थ क्रिएट करते ही खास करके इमोशनल एंगल में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस आता है वो फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट दे जाता है और वही चीज़ें फिल्म को जो इमोशंस है वो मजबूत करती है और फिल्म के एक्शन को और बेहतर बनाती है क्योंकि जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे की जो कहानी है जो पेट्रोटिज़म है जो इमोशन है वही फ़िल्म को बेहतर बनाता है और वो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी फिल्म का एंटायर सेकंड आप काफ़ी रेसी एक्शन के साथ दिखाया हुआ है काफ़ी सारे ऐसे सीन है जो काफ़ी हाई ऑक्टेन के साथ दिखाए हुए हैं इसके अलावा फिल्म में एक्शन सिक्वेंस के साथ मिक्स पेट्रोटिज़म वाली फिलिंग भी अच्छी तरह से क्रिएट की हुई है ने अपना रोल इतना बेहतरीन वे में डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से उनका वो कैरेक्टर फिल्म के क्लाइमेक्स को और बेहतर बनाता है इस फिल्म को काफी स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया हुआ था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी चीजें पसंद नहीं आएगी वो स्क्रीन पे चल रही है तो आप जरूर देखना पसंद करोगे स्कूल डे के सीन को मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की लाइफ को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से कहानी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने किया हुआ था तो पहले हाफ में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है पहले पंद्रह मिनट में काफ़ी सारे ऐसे सीन हैं जो प्रिडिक्टेबल ज़रूर है स्लो थोड़े लगेंगे क्योंकि ये सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया होता है इसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले में आगे जाके वो सभी चीज़ों को बेहतर वे में यूज़ कर पाए स्क्रीन प्ले को लिखने की ये एक अलग टेक्निक थी जिसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था हस्बैंड वाइफ की जो इश्यू दिखाया हुआ है जितना ड्रामेटिक मैनर में दिखाया हुआ था वो ठीक था उसको ना दिखाते चलता मुंबई पुलिस को जिस तरह से की रोल था ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवल में वो सभी चीज़ों को इस फिल्म में अच्छी तरह से अच्छे स्पे के साथ दिखाया हुआ था इसके अलावा आदवी सेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम दिखाया हुआ है उन्होंने मेजर फिल्म में परफॉर्मेंसेस के साथ में स्टोरी डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपना योगदान भरपूर दिया हुआ है फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के सेट्स काफ़ी अच्छे थे फिल्म को ताज ताज होटल को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें टॉप नॉप देखने को मिलती है फिल्म की हर एक फ्रेम काफी बढ़िया तरीके से कैमरा मैन ने एनहेंस की हुई थी विजुअली फिल्म काफ़ी अच्छी नज़र आती है फिल्म को जिस तरह से फिल्म के थ्रिलिंग एक्शन मोमेंट को सॉलिड मैनर में हमारे सामने सोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी अच्छी तरह से लिखे हुए फिल्म के लिरिक्स भी बढ़िया थे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में श्री चरण पकल्ला ने बखू भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में आपको काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स भी फिल्म के अच्छे थे इस फिल्म के डायरेक्टर शशि किरण टिक्का ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है काफ़ी सारे सीन को इमोशन डिपार्टमेंट एक्शन डिपार्टमेंट ड्रामा और साथ ही में पेट्रोटिजम वाले फीलिंग को अच्छी तरह से परफेक्ट कॉम्बो के साथ उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन वाला जो अटैक है उन्होंने क्लाइमेक्स में बेहतरीन परफेक्ट मैनर में हैंडल किया हुआ था जहाँ पे डिटेलिंग के साथ उन्होंने बढ़िया चीज़ों को दिखाया हुआ है इस फिल्म को काफ़ी इमोशनल हाई के साथ हैंड एंड किया हुआ था वो फिल्म का बेस्ट पार्ट था जिस तरह से वो सभी चीज़ें दिखाई हुई थी वो नेरेशन आपको जरूर पसंद आएगा आपको इमोशनल कर देगा और आपके अंदर पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग्स जरूर क्रिएट होगी ऑन एन होल मेजर एक बढ़िया पेट्रोटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो परफेक्टली आपकी हाइप को लिवअप कर जाती है जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो उसको फुलफिल करने में बढ़िया तरीके से हेल्प करती है फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे जो रो नेचुरल रियल नजर आ रहे थे इंडियरिंग ड्रामा देखने को मिलेगा सॉलिड सील्स देखने को मिलते एक्शन सीक्वेंस है वो भी काफी बढ़िया थे तो ये सभी चीजें फिल्म की बेसिक एसेट थी फिल्म का स्लो स्टार्ट आपको थोड़ा इग्नोर कर देंगे कर दोगे तो और बेहतर रहेगा इसके अलावा इस फिल्म में ने जिस तरह से लीड किया हुआ है वो फिल्म को और चार चांद लगा देता है उनका इमोशनल राइड आपको जरूर पसंद आएगा तो ओवरऑल संदीप उन्नी कृष्णन जी के ऊपर बनी ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी आपको मिस नहीं करनी चाहिए इस फिल्म को तेलुगू तमिल और हिंदी तीनों वर्जन में तीन सॉरी इस फिल्म को तेलगू मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन में तीन जून दो को रिलीज़ किया गया था एक मिनट के रन टाइम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को IMDb डी बी पे करीबन बारह हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग हासिल है दस में से तो काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे सभी ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ था जिसकी बदौलत ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को और बेहतर वे में अच्छा रिस्पांस दिलवाने में कामयाब रहा था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ये फिल्म और बेहतर वे में लोगों को पसंद आई थी और ये सभी असर आपको फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेगा क्योंकि पंद्रह बीस करोड़ के अंदर पच्चीस करोड़ के अंदर बनी फिल्म ने अपने प्री रिलीज में थिएट्रिकल बिजनेस किया था पंद्रह करोड़ में तो पंद्रह करोड़ के आसपास फिल्म को बेचा गया था जहाँ पे हिंदी रीजन और जहाँ पे हिंदी रीजन में फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था साथ ही में तेलुगु और मलयालम में भी तेलुगु में ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था ऑफकोर्स क्योंकि आज विशेष वहाँ से बिलोंग करते हिंदी में स्क्रीन कम दी गई थी फिल्म ने करीबन तेरह करोड़ दस लाख का ओपनिंग ओपनिंग डे का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहाँ पे फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन सात करोड़ बारह लाख का किया हुआ था और इस फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए जो फर्स्ट वीकेंड का नेट कलेक्शन था वो था करीबन चार करोड़ छाछ लाख का तो करीबन साढ़े चार पाँच करोड़ के आसपास का हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था तो ओवरऑल फिल्म ने दस जून दो तक पचास करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और तेरह दिनों के बाद फिल्म ने करीब साठ करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिल्म का जितना बजट था जितने प्राइस में बेचा गया था तो वो सभी चीज़ें शायद पहले तीन दिनों में ही क्रॉस हो गई थी और पहले एक दो दिन में तो और से इसमें इस फिल्म ने प्रॉफिटेबल कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और बाय द थर्ड वीकेंड फिल्म ने हिंदी वर्ज़न ने करीबन बारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था तो सिर्फ हिंदी वर्जन ने कम से कम स्क्रीन के साथ बहुत कम स्क्रीन बहुत यानि बहुत कम स्क्रीन दी गई थी मेजर विक्रम सभी फिल्म एक साथ आई थी सभी फिल्मों को क्योंकि तब आई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के बेस्ड ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म भले वो फिल्म अच्छी थी, थी नहीं ना थी वो दूसरी बात है लेकिन उसको स्क्रीन ज़्यादा मिले हुए थे जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रेंस कम स्क्रीन मिलने के बावजूद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म तीन वीक तक चली हिंदी वर्जन में जहाँ पे बारह करोड़ के ऊपर का क्रॉस कलेक्शन किया और हिंदी वर्जन के साथ साथ दूसरे सभी वर्जन में सभी वर्जन में फिल्म ने एक बढ़िया प्रॉफिटेबल कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म को काफ़ी सराहना भी मिली थी अब हम बात करें इस फिल्म को कहाँ पे ओ के ऊपर कहाँ पे सेटेलाइट के ऊपर आप ये देख सकते हो तो फिल्म के ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम में इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए सभी वर्जन के लिए तेलुगु मलयालम और हिंदी जहाँ पे तेलुगु और हिंदी है वो मेन वर्जन है मलयालम डब्ड वर्जन है तो ये सभी वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेंगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाले हैं तो ये फिल्म वहाँ पे आप ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट राइट्स हिंदी वर्जन के लिए सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर के नाम के साथ देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेजर फिल्म का तेलुगू मलयालम और हिंदी तीनों वर्जन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे विथ इंग सब टाइटल विथ अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन का टेलीविज़न राइट से वो खरीदा हुआ है सोनी मैक्स वालों ने तो टेलीविजन के ऊपर आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर मेजर फिल्म हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सेटेलाइट और ओ के ऊपर मेजर फिल्म इंजॉय कर पाओगे सभी अलग अलग वर्जन में बिल्कुल फ्री में तो बस गए इस मेजर फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बात थी वो शेयर कर दिए फिल्म को हिंदी वर्जन तम तेलुगु कन्नड़ा वर्जन में कहाँ पे आप इन्जॉय कर पाओगे मलयालम वर्जन में उसके ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है साथ ही मैं फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म के रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने स्टोरी एनालिसिस एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है फिल्म की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की संदीप उन्नी कृष्णन की लाइफ जर्नी के ऊपर बातचीत की इसके अलावा फिल्म का एक रिव्यू किया हुआ है टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू